तो जय को देखे भी ना चले गए और आज मतलब वो मतलब वो जय को शायद मतलब ये सबसे ज़्यादा खुश माई फादर वुड एप वेरी वेरी हैप्पी लेकिन संडे को रिव्यू मुझे पता था बुरा होगा लेकिन बहुत बुरा था रिव्यू तो मेरा स्पिरिट टूट गया उस वक्त फिल्म चली नहीं उस फिल्म में थोड़े बहुत पैसे बोरो किए थे हमने कर्ज़े लिए थे फिल्म को बनाने के लिए हमें लगा था फिल्म चल जाएगी और वो कर्ज़े जो है चुका देंगे वो नहीं हो पाया ड्रिंकिंग इट वाज अ डार्क फेज मतलब मेरा डिवोर्स हुआ वहाँ मतलब हज़ारों की तादाद में लोग थे स्लोगन्स कर रहे हैं फेंक रहे चीज़ें पुलिस राइट पुलिस ने उन लोगों को कॉर्डन ऑफ किया था एंड सारी लाल बत्ती वाली गाड़ियाँ खड़ी है तो मतलब एम एल ना न जाने कौन कौन जमा हुआ था वहाँ सब ने चिल्लाया मुँह काला किया क्या वो फ़िल्म आपने दिल से बनाई मैंने देख दिल से तो मैं सब कुछ मैं शूटिंग तो दिल से ही करता था बट मुझे वो फ़िल्म मुझे वो फिल्म जब मैंने खुद देखी मुझे समझ में नहीं आई बॉम्बे में जो मेरा मेरी जन्मभूमि है उसको मतलब मेरे सारे रूट्स काट दिए थे मैंने बॉम्बे से उस वक्त मैं मानता हूँ कि मतलब मेरे जितने कास्टिंग डिसीजन है ना राजकुमार राव मनोज इन अलीगढ़ और प्रतीक गांधी गगनदेव रियार उसमें सबसे रिस्की चॉइस जो था हाय मैं हूँ हंसल मेहता मैंने बहुत दिल से बातें की हैं सिद्धार्थ कनन के साथ सब्सक्राइब टू हिज यूट्यूब चैनल अंसर भाई मुझे याद है कि बहुत साल पहले मैं यारी रोड में कॉफ़ी शॉप में जाता था एक कैफे कॉफी डे होता था वहां बैठते थे आप आपको याद है कि नहीं वो दिन नहीं कॉफी डे नहीं दैट वाज यारी रोड पे तो आई एस टू सिट इन अ प्लेस कॉल्ड सिजलिंग चाइना दैट हैज बिकम कॉफी डे नाउ अच्छा हाँ आई टू तो पहले उधर सिजलिंग चाइना करके जगह थी वेयर यू वुड फाइंड मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री पीपल एट नाइट और फिल्म डिस्कशन होता था कुछ डिस्कशन भी होता था फिर <laughs> <laughs> क्या डिस्कशन था जिसको मिलने का सबसे ज़्यादा मज़ा आता था वो था रामू ही वो हर रात रामू वुड कम दे तो रामू मधु मंटेना ई निवास मनोज बाजपाई ये सब वहाँ सिज़लिंग चैनल में मिलते थे वो जगह लेजेंडरी थी बिकॉज उसका जो मैनेजर था जॉन उसने सिस्टम शुरू किया था दे डिड नॉट हैव अ लाइसेंस तो ब्रिंग योर ओन बूज था चुपचाप हम लोग वे सो स्मगल बूज दर तो हमारा खुद का बूज नो चार्जेस फॉर सर्विंग बूज एंड कुछ सवेरे चार पाँच बजे तक खुला रहता था तो आप लोग पीते कैसे चुपचाप चुपचप ग्लास से डाल के ऐसे करके तो वैसे थम्सअप के साथ ना बगाडी मिला लिया दे दिया आप कौन सा लेके आते थे ओल्ड मॉन्क जो भी उस वक्त एफोर्ड कर सकता था वो लेके आता था कभी पैसे आ गए तो बकाठी होती थी या तो ओल्ड मॉक एंड विस्की थोड़ा मुश्किल होता था बिकॉज विस्की दिख जाता है तो वो कहता था कि भाई विस्की में कुछ मिला दो तो वो नहीं तो पुलिस ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी मैंने उड़ी कॉलेट द बदमाश गैंग का मिलन नहीं वो मतलब था एक दौर था हम लोग इतने सारे लोग में इतने फ्रेंड्स हम इतनी दोस्तियाँ टूटी है वहाँ मतलब तो दोस्तियाँ बनी है टूटी भी है वहाँ मुझे याद है मनोज और मेरा झगड़ा हुआ था सिजलिंग चाइना में मतलब फिजूल का झगड़ा फिजुल का झगड़ा हुआ बातें करना बंद कर दिया वहाँ वी फॉट बहुत होता था मतलब रम वुड कम एवरी नाइट गो अवे अवेर यू टेलर समथिंग कुछ भी कह देते लेकिन इट्स लाइक यू नो वॉट एवर हैपन्स इन सिजलिंग चाइना इन सिजलिंग चाइना वो वाली बात है कि वहाँ ख़त्म हो जाता था तो द प्लेस जहाँ लोग मुझे मिलते थे वो था बरिस्ता दैट वॉज बरिस्ता एट लोखंड वाला तो वो इट बिकेम फेमस एज हंसल्स बरिस्ता क्योंकि वहाँ पर आ, मैंने मुफ्ली का बहुत के बहुत साल बिताए मफली थोड़ा सा डिप्रेशन भी था गोइंग थ्रू ब्रेकअप्स रोमांटिक ब्रेकअप्स तो आ, मैं अपना पूरा समय ना वहाँ बरिस्ता में कुछ ढाई तीन बजे बरिस्ता पहुँचता था और वहाँ बैठ जाता था एंड ब्लैक कॉफ़ी लेके बैठता था एंड वहाँ लोग आते जाते मिल के जाते थे और फेमस हो गया था कि हंसल्स बरिस्ता तो वहाँ अकेला बैठता था मैं और वो लोग आते थे जाते थे मेरे पास काम था नहीं ज़्यादा और शाम को छः सात बजे मैं आमिर अली और मुकुल देव हम तीन जिम जाते थे और ऊपर ही जिम था साइक्स जिम तो वहाँ वो तो वो भी लेजेंडरी जिम था यार बहुत लेजेंडरी जिम था तो वहाँ हम जाते थे जिम में एंड उन दोनों ने बॉडी बनाई मैं मतलब वैसे का वैसा रह गया आ, एंड आ, उसके बाद वापस आते थे बरिश्ता वहाँ से फिर से बरिश्ता में कुछ तभी भर जाता था, था बरिश्ता बहुत लोग आते थे तो आठ नौ बजे तक बरिश्ता बैठे फिर घर गए तैयार हुए फिर कहीं किसी नाइट क्लब चले गए ये ऐसी ज़िंदगी बिताई है ये कौन सा ईयर था अप्रोक्सीमेटली ये दिस वॉज ये टू थाउजेंड टू से लेकर दो हज़ार छः दो हज़ार सात पाँच साल का फेज था ये ज़्यादा मतलब इंटेंस उससे पहले भी ये सब होता था लेकिन वो सिजलिंग चाइना का फेज था जो बहुत सालों नाइन्टी फाइव नाइन्टी सिक्स से शुरू हुआ वो सिजलिंग चाइना का फेज क्योंकि वो दूसरा क्या था सिजलिंग मतलब मेरे मेरे दोस्त थे बहुत करीबी दोस्त थे सुनील बोरा ऑफ कोर्स सुनील हमेशा मजाक करते हैं सिजलिंग चाइना के बारे में कि वो कि हंसल के जेब में पैसे होते नहीं थे लेकिन सिजलिंग चाइना में ऐसे बिहेव करता जैसे मालिक था वो क्रेडिट देता था, था पूरे महीने का हम जाते थे खाना खाते थे कई बार बूज भी नहीं लाते थे तो उसके भी पैसे नहीं होते थे तो वो उसके पास वो बूज भी स्पेयर रखता था कि बोलता अब है मेरे पास थोड़ा आप ले लो बूज भी तो हिसाब बनाता था और मंथ के एंड में बिल्स लेके आता था और कई बार बोलता था अगले महीने देता हूँ तो और कुछ कहता नहीं था कभी तो मतलब वो वेरेवर यू आर जॉन मतलब तुम कमाल थे हमारे बहुत साल उसने मतलब बहुत साल मुफलिस के जो है जॉन ने हमारे निकाले तो पैसे चुका देते थे, थे कि नहीं आप चुकाए चुकाए सारे पैसे चुकाए उसको हर महीने चुका देते वो बेचारा मतलब हीस तो रन ऑन अस हम चुका वो लेकिन कई बार चुकाने के लिए किसी से पैसे लेने पड़ते थे तो कभी कभी जाते हो माथा टेकने सिजलिंग चाइना में बंद हो गया सिजलिंग अरे यार बहुत साल हो गए बंद हो गया तो ये रेस्टोरेंट बिजनेस ऐसा है इट्स अ वेरी कट थ्रोट बिजनेस और वो यारी रोड ऐसा हब हो गया अभी फॉर फैंसी रेस्टोरेंट्स तो वो फैंसी नहीं था वो तो सिंपल सी जगह थी और उसमें मज़ा था उसमें मज़ा सिंपल सी जगह थी खाना कई बार मैं किचन में जाके खुद खाना बनाता था मन होता था कि आज घर का खाना खाना है तो मुझे कई दोस्त पूछे थे घर का खाना खाना है तुमको तो घर क्यों नहीं जाते हो यहाँ क्यों आते हो <laughs> 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 1993 यानी कि थर्टी वन हो गए आपके खाना खजाना टेलीविजन का पहला बड़ा फूड शो संजीव कपूर आप कुछ मेमोरीज है उस शो के मेमोरीज हमेशा रहेंगे क्योंकि वो पहला काम था मेरा और आ, मतलब मैं हमेशा हर साल जब भी जी टी की एनिवर्सरी होती है मैं सुभाष जी सुभाष चंद्रा को थैंक यू भेजता हूँ आज तक आज तक क्योंकि वो एक चैनल था और वो एक आदमी था जिसने एक कंप्लीट नोविस पे भरोसा किया मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था 25 साल का बंदा बी बस लेकर वर्ली पहुँचता है एक रिटन प्रपोजल के साथ क्योंकि उसको खाना पसंद है बिकॉज ईज़ द फूड ही वो पहुँचता है वहाँ और वहाँ जाके एक प्रपोजल डालता है वो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर पर टाइप किया था मेरे पास कंप्यूटर तक नहीं था क्योंकि मैं तब भी आया था पी से नौकरी करके वापस आया था ट्वेंटी तो फाइव ईयर ओल्ड जिसके जिसका एक बेटा हो चुका था मतलब बाईस तेईस साल की उम्र में जय पैदा हो गया था तो कन्फ्यूज़्ड आदमी इंडिया आया है वापस कंप्यूटर प्रोग्रामर है जो जिसको प्रोग्रामिंग में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है और एक इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर पे वो प्रपोज़ल बनाता है कि मुझे फूड शो बनाना है मैं जाके वो वहाँ देता हूँ और तीन हफ़्ते में मुझे फ़ोन आता है कि भाई हम ये शो बनाना चाहते हैं एंड मुझे आई गॉट अ चेक छत्तीस हज़ार रुपये का चेक मिला था उस वक्त जो वो चेक मतलब मेरे लिए सबसे कीमती सबसे बड़ा चेक मेरी ज़िंदगी का वो था जो आ, मुझे जी टी वी से मिला था वो भी नया चैनल था एंड मुझे याद है वो चेक लेने के बाद में जब निकला था मैंने बोला अब तो पैसे तो आ गए अब करेंगे क्या इसके साथ आ, अब शो बनाना पड़ेगा मैंने कभी प्रोडक्शन नहीं किया था ना मुझे प्रोड्यूस प्रोडक्शन का कोई नॉलेज था तो वहाँ मुझे मैं बुक शॉप गया ये देखने को किचन के डिज़ाइन्स देखने के भाई कुछ किताबें देखता हूँ कि किचन बनाना पड़ेगा सबसे पहले और फिर उसमें शेफ़ कुक करेगा तो मुझे इतना था कि यार दो तीन कैमरा से शूट करना होगा ये सब मुझे आइडिया था तो मैं गया वहाँ पर एक लड़की भी किचन के डिज़ाइंस देख रही थी तो मैंने उसको पूछा कि तुम इंटीरियर डिज़ाइनर हो बोला नहीं नहीं मैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हूँ बोला नहीं नहीं तुम किचन के डिज़ाइन तो मैंने कहा मैं एक फूड शो बना रहा हूँ वो लड़की मेरी पार्टनर बन गई उसके बाद बिजनेस पार्टनर क्या था उनका नाम मर्लिन मलिन जोसफ और मेरी आज तक मेरी सबसे करीबी दोस्त है तो मलिन की बहन शर्ली जो राजू सिंह की बीवी है तो मलिन के जरिए राजू सिंह से मिला मैं जिन्होंने टाइटल ट्रैक किया आ, खाना खजाना का जिसको गाया था यू वोंट बिलीव उस उस टाइटल ट्रैक को गाया था एक सिंगर ने नया सिंगर था जिसका नाम था शांतानु मुखर्जी शान माय गॉड उसने रैप किया था और राजू का म्यूज़िक था सब नए थे एवरी सब मतलब अपने ट्वेंटीज़ में थे स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन वो मतलब संजीव कपूर मुझे एक्सीडेंट से मिला uh, सेंटोर होटल में वहाँ जो पहले सेंटर होटल थी मैं वहाँ गया था जी से मिलने तभी मेरा फॉर्मेट ये था कि हर एपिसोड में बम्बई के uh, और उसके बाद देश के अलग अलग शेफ्स को मैं फ़ीचर करूंगा। वो स्टूडियो में आके अपनी रेसिपीज शेयर करेंगे दुनिया के साथ तो उस एफर्ट में मैं पहुंच गया सेंटोर होटल वहाँ पर मुझे जनरल मैनेजर ने दुनिया के वहाँ के जितने शेफ़ से सबसे मिला दिया और उन शेफ़ से मीटिंग हो रही है और एक शेफ़ पाँच दूर से चल के आता है मुझे विजिटिंग कार्ड देता है और कहता है कि नेम इज संजीव कपूर कुछ इफ़ यू नीड समथिंग प्लीज़ लेट मी नो एंड वो चला जाता है मैं घर जाता हूँ और उसी शेफ़ को फ़ोन करता हूँ उसकी कार्ड को देख के उसको फ़ोन करता हूँ घर बुलाता हूँ कि यार शो तुम्हारे साथ बनाऊंगा और उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया हाँ संजीव ने हाँ कह दिया संजीव पहले से शोमैन था वॉज अ ग्रेट शो मैन जी टी वी ने पहले कमलेश पांडे जी टी वी के प्रोग्रामिंग हेड थे उस वक्त hmm. कमलेश ने मतलब मुझे मारा नहीं बस जब उन्होंने एपिसोड्स देखे ने कहा ये किसको लिया उन्होंने ब्रीफ दिया था मुझे कि फीमेल एंकर पर्सन होनी चाहिए एंड मैं यहाँ एक मेल को लेकर आया था संजीव कपूर था पूछे थी संजीव की मतलब तो ये क्या कर दिया तुमने कि हम तो नहीं कर सकते बहुत 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 नाराज़ हो गए थे बट उन्होंने क्या था थोड़ा सा शो के टीज़र वीजर डाल दिए थे तो उन्होंने कहा ठीक है अभी चार एपिसोड हम डालेंगे उसके बाद नहीं करेंगे तो चार एपिसोड्स के बाद मुझे कुछ नया फॉर्मेट उन्होंने करवाया मैंने कुछ एपिसोड नया फॉर्मेट किया वो भी चला नहीं कोई एक दूसरी फीमेल Uh, के साथ uh, हमने uh, एक फॉर्मेट किया वो नहीं चला बिल्कुल नहीं चला टी नहीं आ रहे थे जी टी ने मुझे दो तीन बार कहा कि हम शो बंद करना पड़ेगा चल नहीं रहा है तो मुझे आई थिंक थर्टीन या फिफ्टीन एपिसोड था जिसमें वो जी ने कह दिया था कि ये बंद होने वाला शो अब नहीं होगा हमने इतना एक्सटेंड किया सिर्फ तुम्हारे लिए कि तुम अच्छे आदमी लगते हो एंड बार बार मैं जाता था कि मर जाऊँगा प्लीज़ थोड़ा सा एक दो हफ्ते चला दो वो तो पर्सनल टाइम था भाई तो पर्सनल टाइम भी अभी जो कॉर्पोरेटाइज़ हो गई चीज़ें वैसे था नहीं hmm. तो उन्होंने कहा भी अब अभी बंद करना पड़ेगा शो चल नहीं रहा है एंड मैंने वो लास्ट एपिसोड में किसी और शेफ़ को बुलाया था और वो शेफ़ आया नहीं तो मैं संजीव को फ़ोन करके बोला कि भाई आ जा बचा ले बचा ले कुछ ये एक ही शूट करना है इसका एक एपिसोड का मेरा पैसा कटेगा अगर तू नहीं आएगा तो संजीव अपनी बाइक पर आया स्टूडियो में और उसने बोला अच्छा क्या क्या है मैंने बोला पनीर है पालक है वही वही चीज़ें हैं पनीर है पालक है चिकन है टमाटर है अदरक लहसुन है और नमक काली मिर्च और क्या है मसाले बोला ठीक है बनाते ऑरेंज जूस है बोला हाँ वो भी है ठीक है तो संजीव ने दो रेसिपीज़ बनाई उस दिन एंड उनमें से एक रेसिपी इस देश की शायद इस देश की सबसे बड़ी रेसिपी बन गई सबसे बड़ी ओरिजिनल रेसिपी उसका नाम था शाम सवेरा hmm. आज भी आ, संजीव को हर साल वो रेसिपी बनानी पड़ती है आज भी बैंकवेट्स होते हैं मतलब बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के यहाँ बैंक बैंकवेट्स होते हैं उसमें शाम सवेरा हमेशा होता है जब भी संजीव केटर करता है बड़े बड़े अबू धाबी में बैंकवेट uh, होता है उसमें शाम सवेरा इज़ पार्ट ऑफ द मेन्यू और आपने बहुत खाया है वो नहीं मैंने उसी वक्त खाया था शाम सवेरा की रेसिपी सीख ली सिंपल है शाम सवेरा बहुत सिंपल है इट इज़ पालक एंड पनीर के डंपलिंग्स है वो मतलब ग्रेटेड पालक थोड़ा कॉर्नफ्लार उसमें ग्रेटेड पनीर होता है सॉल्ट पेपर उसको बॉल बनाओ कोफ्ता बनाते हैं उसको डीप फ्राई कर लो फिर उसको बीच में काटो मखनी ग्रेवी बनाओ उसमें मतलब डाल दो एंड वो शाम सवेरा हो जाता है बिकॉज इट्स डार्क आउटसाइड वाइट इन साइड तो शाम सो फैंसी ना शाम सवेरा हाँ बहुत एलिगेंट डिश है इट्स अ वेरी एलिगेंट रेसिपी एंड उस रेसिपी ने मतलब हमको uh, वो रेसिपी आई और जी टी वी से फ़ोन आया मुझे कि भाई उस वक्त रिस्पॉन्स डिपार्टमेंट होता था जब खत आते थे एंड वो हर हफ्ते वो लोग रिस्पॉस पढ़ते भी थे टी वी पर क्या ना ये ये खतः है हमारे लिए वो शो तो उन्होंने रिस्पांस डिपार्टमेंट के पास वो हर हफ्ते हमें रिस्पांस देते थे तो उन्होंने दस दिन बाद कुछ बुलाया कि भाई आपका रिस्पांस लेकर जाओ तो मैं गया एकदम काफ़ी डिप्रेस था कि ये शो बंद होने वाला है गया तो उन्होंने मुझे एक सीमेंट की बोरी भर कर लेटर्स दिए बोला कि ये आया है तो अलमा करके थी अलमा शाह करके रिस्पॉन्स डिपार्टमेंट में थी तो मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ बोला कि शो चल गया तुम्हारा आई थिंक एक्सटेंड करेंगे तुम मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ अंदर चले जाना ये वो लोग ही बताएंगे मैं गया उन्होंने कहा कि अच्छा चला ये उसी शेफ के साथ अभी तुम आगे बढ़ो संजीव कपूर के साथ एंड रेस्ट इज हिस्ट्री उसके बाद बाईस साल चला शो माई गॉड बाईस साल चला संजीव कपूर विथ हिज टैलेंट मैंने सिर्फ संजीव को देखा था आई वॉज द कैटलिस्ट बट संजीव कपूर इज परहैप्स इंडिया फर्स्ट एंड बिगेस्ट सेलिब्रिटी टेलीविजन सेलिब्रिटी शेफ़ इज़ द बिगेस्ट दैट इंडिया एवर हैड एंड वो फिनल दोबारा नहीं हो सकता है नहीं अभी कभी नहीं हो सकता है दिलीप, दिलीप साहब अमिताभ बच्चन कभी हो नहीं सकते दोबारा शाहरुख खान दोबारा नहीं हो सकता hmm. वैसे संजीव कपूर दोबारा नहीं होगा hmm. हो रणवीर ब्रार है विकास खन्ना है कुणाल कपूर है ये सब बेहतरीन टी वी पर्सनैलिटीज़ है शेफ्स है दे आर सम बेटर शेफ्स ऑल्सो दिन संजीव बट संजीव जैसा जैसा करिश्मा जैसा वे ही कैप्चर्ड इमेजिनेशन ऑफ द नेशन आई तो again. देखा जाए 2024 में में भी भी के पास वो है to pick up the right people. <laughs> और 1993 में भी वही था. टेक्निकली आपकी सेकंड फिल्म थी दिल पे यार एक एक उससे पहले एक फिल्म फेस्टिवल जायते, वाली थे यारेस्टिवल तो मैं हर छाया से बात कर रहा था कुछ दिन पहले <laughs> तो उन्होंने मुझसे उन्हों कहा इंटरमिट सी था तबू के साथ <laughs> और कोई इनिशिएट नहीं कर रहा था वो इंटरमिट सीन दोनों बैठे थे तब्बू और वो एंड देन ही टोल्ड मी द होल प्रोसेस क्या हुआ तब्बू और उनके बीच में पर वो कहते आज तक आप उनकी खिंचाई करते हैं ऑन दैट इंटरमिट सीन बिटवीन हर्ष एंड तब्बू सच है अरे इतना परेशान था वो टब्बू मेरे को बोल रही इतना परेशान क्यों है वो टब्बू बड़ी कूल थी शी हाँ. के अच्छा मैंने रूम खाली कर दिया था तो रूम के अंदर सिर्फ मैं था कैमरा मैन था यानी फोकस पुलर तीन लोग थे फोकस पुलर को भी बाहर भेज दिया था क्या हम कर लेंगे हम दो लोग थे एंड ट्ब्बू ने कहा कि क्यों लोगों को बाहर भेज रहे हो मतलब करोड़ों लोग देखेंगे वैसे भी तो नहीं, नहीं नहीं आप लोग को कम्फर्ट होना चाहिए सो उस वक्त इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर वगैरह ये सारी चीज़ें जो आजकल फैंसी चीज़ें होती है नहीं थी वो नहीं थी आप अपने हिसाब से रिस्पेक्टफुली ये काम करते हो हाँ लेकिन वो हर्ष बहुत ऑकवर्ड था बहुत घबराया हुआ था एंड उसको दो-तीन बार कहना पड़ा कि भाई तुम क्या कर रहे हो ऐसा लग रहा है घोड़े पे सवार हो <laughs> <laughs> मतलब दिस इज अ वुमन मतलब ही लुक लाइक हॉर्स राइडिंग ओ गॉड उसको कहना पड़ा मुझे कि क्या कर रहे हो यार <laughs> 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 तुम, इतने दूर हो उससे <laughs> मतलब वो फेक हॉर्स हॉर्स पे चल रहे हो ना वैसा लग रहा है इट्स लाइक इ कॉलेज बॉय जो पहली बार ये एक्सपीरियंस कर रहे थे बड़ी बड़ी खिंचाई की थी फिर मनोज को मैंने जाके कहा मनोज नीचे ही था जब शूट चल रहा था तो मनोज उसी लोकेशन में मनोज नीचे बैठा था नीचे गया बोला यार तेरा दोस्त मनोज का बहुत बहुत गरीबी दोस्त है हर्ष तो मैंने कहा यार मतलब हर्ष कितना शर्माता है यार ये तो हद कर दी तब उसको बार बार बोल रही अरे भाई पास तो आ जाओ व्हाट मेमोरीज पर उस फिल्म के साथ आपके साथ एक बहुत डार्क फेज आया राइट मी अबाउट दैट डार्क फेज मतलब द डार्केस्ट फेज वाज जब फिल्म रिलीज हुई हमने फिल्म जब बनाई थी फिल्म रिलीज़ के uh, दो हफ्ते पहले हमने फिल्म देखी थी एट द फेमस स्टूडियोज़ में तो हमने फिल्म देखी सबने, और मेरे साथ मेरे डिस्ट्रीब्यूटर थे बॉम्बे के डिस्ट्रीब्यूटर थे शाम आहूजा करके तो हमने सबने साथ में देखी उन्होंने मतलब फिल्म खरीदी थी एम देकर उस वक्त आपके हर टेरिटरी के अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे वो एक डिस्ट्रीब्यूशन का एक दौर था तो ना सिनेमा तभी एक्टिव था बट आई थिंक इट वॉज़ टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ना सिनेमा फेज़ 2000 साल 2000 था hmm. चीज़ें बदलने लग लगने वाली थी तो उसमें श्याम ने फिल्म देखी अपने दोस्तों को बुलाया और सब बाहर निकले और कहा कि ये कमाल की फिल्म है आंसर ऐसी फिल्म हमने देखी नहीं है मैंने कुछ दोस्तों को फिल्म दिखाई फिल्म फिल्म सिटी में एडलैब्स का थिएटर था प्रीव्यू थिएटर था उन्होंने बाहर निकाल के कहा कि ऐसी फिल्म हमने देखी नहीं है कमाल की फिल्म है तो मैं बड़ा एक कॉन्फिडेंस में जी रहा था दो हफ्ते के लिए वो फिल्म रिलीज़ हुई सब उल्टा हुआ उस वक्त रिव्यूज़ बहुत आज जो होता है ना कि हर आदमी रिव्यूअर होता है हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक रिव्यूअर क्रिटिक बन जाता है उस पर क्रिटिक्स मुश्किल से दो तीन थे इंडियन एक्सप्रेस टाइम्स ऑफ इंडिया तो और बहुत तोज्जो देते थे हम कि खालिद मोहम्मद संडे को वो फ्राइडे को रिव्यू नहीं करते थे संडे को आता था रिव्यू तब जल्दी उठ जाते थे पेपर संडे के लिए, लिए। इंतज़ार करते थे तो मुझे ना फ्राइडे को पता चल गया था मुझे किसी ने थर्सडे रात को ही बता दिया था कि खालिद को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी तो निराशा उससे उसी से शुरू हुई मेरी कि खालिद को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी उस वक्त तनुज गर्ग क्रिटिक थे हमारे फिल्म मेकर हाँ वो आफ्टरनून के लिए रिव्यूज़ लिखते थे तो उनका पहला रिव्यू उनका छपा फ्राइडे को साढ़े तीन बजे का फर्स्ट शो था हमारा मेट्रो सिनेमा में तो मेट्रो में ना हम लोग पूजा करने उस वक्त आ, जो पहला पहला प्रिंट होता था उसकी पूजा होती थी तो मेरा प्रोड्यूसर था वो पुराना अजय वो तुली वो तो मेरा को प्रोड्यूसर था उस फिल्म में अजय कम्स फ्रॉम अ फिल्म फैमिली वो राजेंद्र कुमार जी का नेव्यू है hmm. कुमार गौरव का कजिन है फर्स्ट कजिन उनके भाई नरेश कुमार राजेंद्र कुमार जी के ब्रदर थे तो अजय मतलब उस उसके फादर ने गवार और वो सब राजेंद्र कुमार की हिट फिल्में एक सपेरा एक लुटेरा ये सारी फिल्में प्रोड्यूस की थी ज रिटर्निंग टू प्रोडक्शन तो अजय ने कहा कि नहीं पूजा तो करनी पड़ेगी तो हम लोग सब पूजा करने मेट्रो के प्रोजेक्शन रूम में गए थे और एक दोस्त आया बोला यार पहला रिव्यू आ गया वो तो तनुज घर का रिव्यू था एंड उसका टाइटल था फरगेटेड यार ओ oh गॉड <laughs> ये था उसने मतलब आधा स्टार दिया था फिल्म को एंड तो वो शुरू हुआ था मतलब वो डार्कनेस एंड उस 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 रात को मुझे फ़ोन आया आ, एक मेरे दोस्त का जो फिल्म फेयर में काम करता था उसका नाम अभी भी नहीं लूँगा क्योंकि वो उसने कहा कॉन्फिडेंशली बता रहा हूँ लेकिन खालिद को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी बहुत बुरा रिव्यू आने वाला है मैंने एक और बाट हाँ तो और रात को हमने फर्स्ट डे था रिलीज डे था हमने पार्टी की थी कि आज सेलिब्रेट करते हैं लेकिन संडे को रिव्यू मुझे पता था बुरा होगा लेकिन बहुत बुरा था रिव्यू तो मेरा स्पिरिट टूट गया उस वक्त ऑफ देसन इन ऑल दिस कि बहुत कुछ सीखा उससे बट वो उस वक्त स्पिरिट टूट गया मेरा uh, फिल्म चली नहीं उस फिल्म में थोड़े बहुत पैसे बोरो किए थे हमने uh, कर्जे लिए थे फिल्म को बनाने के लिए हमें लगा था फिल्म चल जाएगी और वो कर्ज़े जो है चुका देंगे वो नहीं हो पाया और उसमें खुद का पर्सनल पैसा भी इन्वॉल्व था आपका पर्सनल पैसा इन्वॉल्व था तो वो मतलब इट बिकेम थोड़ा सा मतलब एक डेट बहुत ज़्यादा नहीं था लेकिन डेट था उस वक्त हमारे लिए बहुत था वो वो डेट एंड ऐसे वक्त पर जहाँ ऐसा कोई बैकअप था नहीं हमारे पास कुछ ऐसे पैसे थे नहीं ना ना घर के ना किसी के पैसे किसी के थे नहीं तो अजय ने काफ़ी पैसे रेस किए थे अपनी फैमिली से तो सब मतलब काफ़ी निराश थे तो आई हिट द बॉटल मैंने बहुत उस वक्त ड्रग इट वॉज अ डार्क फेस मतलब मेरा डिवोर्स हुआ ड्रिंकिंग वजह से डिवोर्स होना नहीं नहीं डिवोर्स चल रहा था लेकिन वो सारी चीज़ें एक साथ में हुई वो डिवोर्स तो अच्छा हुआ आई थिंक इट वॉज बेटर फॉर बहुत दंसर्न पीपल कि हम अलग हुए बट uh, वो वो वक्त थोड़ा सा uh, मुश्किल से uh, गुजरा पैसे है नहीं लोग मतलब क्या होता है जैसे कुछ फेल होता है तो जिन्होंने पैसे आपको दिए वो इनसिक्योर हो जाते तो आपके पीछे लग जाते पैसों के लिए तो मैंने एक ही चीज़ कही कि भाई मैं काम करके ही पैसे वापस कर पाऊँगा और कोई तरीका नहीं उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत मदद की मेरी बहुत सारे लोगों ने मतलब वो उन लोगों को मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ ये हमारी इंडस्ट्री से ही थे लोग कुछ इंडस्ट्री कुछ नॉन इंडस्ट्री थे उन्होंने काफ़ी मतलब संयम रखा मैं इंतजार किया कि भाई ये कमाएगा तो देगा और काफ़ी साल इंतज़ार किया लोगों ने लेकिन मुझे मतलब सबको काफ़ी जा के जाके रिक्वेस्ट करना पड़ा लेकिन वो एक मेंटली बड़ा डाउन कर दिया था उस फिल्म में और मुझे लगा था कि फ़िल्म बहुत आगे थी बहुत समय के आगे थी अच्छी फिल्म थी ये सारी चीज़ें वो सब टूट गया मेरे अंदर क्योंकि जैसे फिल्म नहीं चलती जिन लोगों को पसंद भी आती है वो आपको एक अलग एनालिसिस देते कि यार ये फिल्म ना उसमें ये प्रॉब्लम था ये तुम्हारा फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में ये चक्कर था तो सडनली वही ओपिनियन जो था जो पहले था लोगों का वो बदल जाता है तो ओपिनियन पूरा अलग हो गया था लोगों का कि नहीं ये था तो मैं सडनली कंफ्यूज हो गया कि आपको अच्छी लगी थी अब तो बुरी लग रही है अच्छा ये होते होते सडनली वो फिल्म के थर्ड या फोर्थ वीक में आ, मेरी मेरी ऑफिस में कुछ लोग पहुंच गए उन्हें कहा कि भाई ये आपने आ, इसमें कुछ डायलॉग है ये डायलॉग हमारी औरतों के बारे में है ऐसा वैसा तो बोला नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है वो तो मतलब उसने ऐसे पासिंग में उसने जनरल एक स्टेटमेंट किया है एक्टर ने लेकिन आपने शायद डायलॉग ये पूरा सीन देखा नहीं है आपने हमने तो सब देखा है आपने बोला देखा ही नहीं है आपने अगर देखा होता तो ये आप सवाल ही नहीं उठाते तो एक अपने आप में डार्क कॉमेडी थी उस जिसने देखा नहीं है वो ऑब्जेक्शन ले रहे हमारी जिंदगी में यही है फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको हम बोलते हैं वो इट इज़ मिस यूज़ बिकॉज लोग देखे बिना इंटरप्रेट करते चीज़ों को तो वो बोलते गया तो मैंने उस वक्त मामला रफा दफ़ा कर दिया था मैंने कहा कि कुछ नहीं भैया आप रहने दो तो आप मानोगे नहीं वो आदमी जो आया था आया उसने कहा कि देखो मैं बहुत चिल्लाऊँगा कैमरा वो आएगा एक कैमरा टीम आएगी उनके सामने बहुत चिल्लाऊँगा आप सॉरी बोल देना ख़त्म हो जाएगा ठीक है बाकी कुछ नहीं कुछ होगा नहीं तो मैंने सोचा इजी वे आउट है कैमरा टीम आई मैंने सॉरी कह दिया उसने खूब गरजा बोला गया ये हमारी इज़्ज़त का सवाल है हमारी हमारे स्वाभिमान का सवाल है पता नहीं क्या क्या कह दिया और मैंने क्या मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं कहना चाहता हूँ ये काल्पनिक चित्रपट है इसमें जो भी दर्शाया गया है वो मतलब हम किसी को हम डिसरिस्पेक्ट नहीं करते और अगर आपको आपको आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाया तो मैं काट दूंगा ये सब मैंने कह दिया और मामला ख़त्म हो गया अब दो हफ्ते बाद कोई और आ गया बोला वो आपने उस आदमी से बात ही कैसे की <coughs> हमसे बात करिए आपने हमारे बारे में लिखा है तब हेडलाइन आ गया था औरतों का फ़ोटो आया था क्या आपकी ये औरत धंधा करती है ऐसा कुछ लिखा था मैंने कहा भाई ये क्या मतलब आप आपका एक तो टोन अच्छा नहीं है बोला मैं आपके ऑफिस में बैठा हूँ आप आओ अभी बोला भाई आपका टोन अच्छा नहीं है मैं नहीं आऊँगा ऑफिस तो थोड़ा ठंडा हो गया बोला नहीं नहीं आप आइए ज़रा तो बात कर लेनी है लगा दोबारा अभी दूसरा कोई आया ऐसे बात करने लेकिन मैं मतलब रास्ते में जाते जाते मैं सेंटर क्रूज पुलिस स्टेशन रुका मेरी ऑफिस सेंटर क्रूज में भी सेंटर क्रूज में रुका कि भाई ऐसा फ़ोन आया था मैं ऑफिस जा रहा हूँ अगर हो सके तो मतलब आप किसी को भेज देना तो उन्होंने दो कांस्टेबल भेजे मेरे साथ वहां पहुंचा तो बाहर तीन या चार ट्रक्स थी औरतों को लेकर आए थे वो लोग उनके विलेज से उनको लेकर आए थे मेरी ऑफिस में ये लोग बैठे थे उन्होंने ऑफिस में तोड़फोड़ की मैंने फोन किया मेरा एक दोस्त है किशोर कदम जो वहाँ वहीं रहता था खार डांडा में मैं उसको कहा कि यार तेरे यहाँ से लोग आए हैं जरा वो वहाँ बचपन वो पैदा हुआ हुआ था वहीं रहता था तो वो आया मैंने बोला यार उनसे प्लीज़ हेल्प मी टॉक टू देम मेक देम सी सेंस किशोर आया तो वो लोग किशोर में भी, भी चिल्लाने लगे कि तू इस पिक्चर का वो पिक्चर में था इस पिक्चर का हिस्सा बनाए तेरा घर जला देंगे बहुत चिल्लाए उन्होंने ऑफिस बैंडलाइज की तोड़ फोड़ की ऑफिस में बहुत और मैं समझा रहा हूँ कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं और आपको बुरा लगा है तो माफ़ी चाहता हूँ ये वो उन्होंने मतलब तोड़ फोड़ की उन्होंने मुझे मेरा शर्ट फाड़ दिया बहुत कुछ किया तो उन्होंने कहा कि कल तुम आओगे हमारे गाँव और वह माफ़ी मांगोगे सबके सामने पब्लिक तो अगले दिन मुझे वहाँ बुलाया गया तब तक मतलब काफ़ी बड़ा मैटर वो पूरा दिन काफ़ी बड़ा हो गया था मैटर तो पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर्स वग़ैरह सब मेरी ऑफिस आए बोला कि ये सीरियस है मैटर आप जा नहीं सकते हो वहाँ रिस्क है हमारे और हमारे यहाँ उस वक्त डिमोल्यूशन हो रहे थे बहुत सारे बॉम्बे में बोला डिमोलिशंस चल रहे तो हमारे पास फोर्स नहीं है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए तो आप जाइए मत बोला भाई मैं नहीं गया तो किशोर का घर जल जाएगा तो आप अगर भेज सकते हो प्रोटेक्शन तो भेज दीजिए नहीं तो मैं जाता हूँ क्योंकि किशोर का घर जल गया तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं करूँगा तो उन्होंने फाइनली फोर्स दिया मुझे और मैं अगले दिन गया उसमें कुछ फिल्म मेकर दोस्त हैं जिन्होंने सीनियर लीडरशिप से बात की उन्होंने कहा कि भई इनको जाना तो पड़ेगा ही हम वी विल एंश्योर कि दे विल बी नो वायलेंस आप सोचो ये एंश्योर ये एश्योरेंस दिया वी विल एंश्योर कि दे विल बी नो वायलेंस लेकिन उनको बोलो जाने पहुंच गया मैं वहाँ मतलब हज़ारों की तादाद में लोग थे स्लोगन्स कर रहे हैं फेंक रहे चीज़ें पुलिस राइट पुलिस ने उन लोगों को कॉर्डन ऑफ किया था एंड सारी लाल बत्ती वाली गाड़ियाँ खड़ी है तो मतलब एम एल ना जाने कौन कौन जमा हुआ था वहाँ सब ने चिल्लाया मुँह काला किया मुझे एक कहा कि भाई आप यहाँ की औरतों से माफ़ी मांगिए सबके पैर छूए बोला आप चाहते हो कि मैं सबके पैर छू बोला नहीं उन्होंने एक ओल्ड लेडी को खड़ा किया बोले ये तो मेरी नानी की उम्र के मैं किसी मैं ऐसे भी पैर छू छूँगा मेरी मेरे संस्कार ही वैसे तो आई टस्ट फीट एंड देन दे लेट मी गो खूब सुना के बहुत सुनाया किशोर इतना टूट गया था वो आया मेरे पास और रोने लगा बोला कि इन्हीं लोग की वो कवि कवि भी है किशोर बहुत अच्छा कवि है मराठी मैं अच्छी कविता लिखता है सौमित्र नाम से उन्होंने कहा कि मेरी जब कवि सम्मेलन होता है यही सब लोग मेरे साथ बैठने के लिए फ़ोटो खिंचवाने के लिए आते हैं आज उन्होंने मतलब पूरा हमको वो कर दिया कि आई फील सो वायलेटेड एंड वो दिन था मतलब वो टूट गया समथिंग इनसाइड मी जस्ट ब्रोक आई रियलाइज किया ये कुछ नहीं है यूरो जिंदगी में एंड किशोर के लिए आई I मीन mean किशोर शिफ्ट हो गया मेरे अभी अभी मिलता रहता है हमारे बच्चे साथ में स्कूल में थे तो किशोर आ, मिला मैं बोला कहाँ रहता है मैं बोला डाट जाता है तू डांडा बोलता है कभी नहीं मैंने उस दिन के बाद कभी गया नहीं मैं आई आई विल मैं उस गली उधर से गाड़ी चला के नहीं निकलता हूँ कि एज एन आर्टिस्ट आई आईफल ब्रोकन कि मैं वहीं पैदा हुआ उनके बीच पैदा हुआ और उन्होंने मतलब ऐसे किया हमारे साथ कि वे सारी कविताएँ सब कुछ वहीं से निकला है लेकिन वो एंड तो वो उस दिन मैं टूट गया था मैं यू नो मुझे एक आ, अच्छा वहाँ से निकला उस दूसरे लीडर ऑपोजिट दू, पार्टी मतलब सारे के सारे हमाम में सब नंगे हैं ऑपोजिट साइड के लीडर का फ़ोन आया कि भाई आप आ, आ, हम आपके साथ हैं आप इन चीज़ों को मत सहन करिए हम आपके साथ हैं लड़िए मैं है। तो बोला भाई मुझे माफ़ करिए मैं एक ऑर्डनरी फिल्म में करूँ मेरे पास अगले दिन घर कैसे चलेगा उसका मुझ मेरा वादा है उसमें मतलब आप लोगों ने बुला के ये सब कर दिया है आ, मैं मतलब प्लीज़ मुझे आप लोग जान छोड़िए मेरी मैं बहुत विनती की तो मुझे उस वक्त एक सीनियर लीडर है कहा कि भाई मैं खुद पॉलिटिशियन हूँ लेकिन आपको एक सलाह देता हूँ पंद्रह दिन के लिए आप बम्बई छोड़ के चले जाइए नहीं तो ये लोग आपको सैंडविच में चीज़ बना के खा जाएंगे ये सब अंदर अंदर खेलेंगे पॉलिटिक्स बहुत गंदी जगह है आप ना तो लड़िए ना ही आपकी आवाज़ उठाइए आप जाइए तो मैं एक महीने के लिए निकल गया मैं पुणे में एक लॉज में रह रहा था लेकिन वो उसमें मतलब वो प्रोसेस में ना पूरी तरह टूट गया एक तो फिल्म चली नहीं कर्ज़े थे ऊपर से ये सब हुआ तो मैं बहुत बुरी तरह से टूट गया था और आ, शराब का सहारा ले लिया सिजलिंग जैन का सहारा लिया उस वक्त मनोज से दोस्ती टूट गई थी दिल पे यार के दौरान ही आ, मतलब कुछ स्टुपिड कारण की वजह से हम दोनों की दोस्ती ख़त्म हो गई थी तो एक दोस्ती जो 94 से मनोज मेरा दोस्त था और इतना करीबी दोस्त मतलब मेरा सबसे मनो मैं क्लोजेस्ट फ्रेंड्स उससे बातचीत बंद हो गई तो मतलब वो हर तरीके से ना आप, आपको लगता है कि कुछ नहीं है मतलब ना ये आप टूट जाते हो तो बट ठीक है मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपने आप को ट्रेजिक हीरो नहीं समझता हूँ आई थिंक ये हो गया एंड उस अनुभव का मतलब जो भी आ, जो भी रिजल्ट है ना वो आप आज देखते हो उस वक्त नहीं कर पाया मैंने उस वक्त उसके बाद छल करके फिल्म बनाई थी जो अच्छी थी गुड फिल्म डिसेंट वेरी वेल मेड फिल्म उस कुछ था नहीं फिल्म में कुछ कहने को कुछ था नहीं तो कई सालों तक मेरे पास कुछ कहने को था नहीं और जो भी था मैंने कहना बंद कर दिया था ये हो गया था मतलब मैंने अपने आप को ना दबा दिया था। दबा दिया मैं आर्टिस्ट से ज़्यादा मैंने कहा अब सर्वाइवर बन जाता हूँ मुझे सर्वाइव करना पड़ेगा तो उन सालों ने मुझे सर्वाइवल सिखाया तो मतलब वो आप बुरा काम करते हो आप सोचते हो कि ये अच्छा काम नहीं था आप दिस, मैं डिसोन नहीं कर सकता हूं। वो काम मेरा था मैंने बुरा काम किया होगा मैंने अपने क्राफ्ट के साथ शायद थोड़ी बेईमानी की होगी लेकिन उस बेईमानी ने मुझे सर्वाइव करना सिखाया तो जब एक नया फेज शुरू हुआ उसमें मैं सर्वाइव करना सीखा जब आप वो फेज से गुजर रहे थे ऑफ दिल मत ले यार राइट उस वक्त आपका डिवोर्स भी हो चुका था राइट मनोज भी नहीं था तो किस मनोज से भी डिवोर्स हो गया था <laughs> <laughs> तो मनोज के साथ भी आपका डिवोर्स हो गया था तो कौन सा सहारा आपने पकड़ा या बात किया किसी से जिससे आप निकले बाहर पहले तो ओल्ड मॉक था <laughs> उस ओल्ड उसक बहुत सारा रहा है, बहुत हाँ, लो, तो लो, लो, है। ओल्ड था। बट उस वक्त ना मेरी दोस्ती हुई थी न, मनोज रीडिव डॉट कॉम था जिस पर चैट चैट रूम्स शुरू हुए थे तो चैट रूम चलाता था एक यंग सा फिल्म क्रिटिक था रेडिफ का सुपर्ण वर्मा करके फिल्म मेकर वाला अपना सुपर्ण हाँ सुपर्ण फिल्म क्रिटिक था तभी तो भी का फिल्म क्रिटिक था वो राजा सेन वगैरह का सीनियर है वो तो फिल्म क्रिटिक था और सुपर्ण वो चैट रूम चला था तो सेलिब्रिटी चैट सारे वहाँ करता था तो मनोज वाजपेयी चैट उसने आ, किया था तो उसके लिए आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती थी मनोज मुझे लगता है आज भी कंप्यूटर यूज़ करने नहीं आता है उसको तो वो मेरे घर आया और मेरे घर से वो चैट रन किया मनोज चला गया और सुपर्ण से के साथ में बैठा वी चैटेड एंड मैंने सुपर्ण को मैसेज किया था कि भाई मुझे लगता है तुमको फिल्म लिखनी चाहिए आई थिंक यू आर राइटर रईटर बोला आपको हाउ डू यू नो आई आई जस्ट नो आई जस्ट फेल्ट दैट मे बी यू शुड बी राइटिंग तो उसमें सुपर्ण मेरे पीछे लग गया कहानी पे कहानी रोज़ कहानी देता था नहीं रोज़ नया कुछ आइडिया होता था सुपर्ण उसका ई मेल आई डी हाइपर एक्टिव से शुरू होता है तो वो हाइपर एक्टिव आदमी है तो सुपर्ण ने मुझे आइडियाज़ दिए बहुत सारे तो वो एक दोस्ती थी हमारी जो बहुत सालों तक हमारी आज तक है तो दोस्ती बहुत करीबी है वो लुटेरे सुपर्ण ने लिखा है आज मतलब वो उसी जय के लिए जिसको उसने लाल चड्डी में देखा था उसका शो लिखा है उसने आज सुपर्ण ने उसने अपनी शुरुआत जिंदगी की मेरे साथ की सुपर्ण ने और आज जय ने शुरुआत सुपर्ण की स्क्रिप्ट से की है तो सुपर्ण ने छल की स्क्रिप्ट लिखी थी और सुपर्ण उस वक्त मेरा मतलब वो काफ़ी वक्त बिताता था मेरे साथ एंड मतलब वो एक दोस्ती थी जो यू नो मैं हमेशा आई वुड ट्रेजर इट यू नो इट वाज अ फ्रेंडशिप हम बैठते थे बातचीत करते थे और बहुत सारे अच्छे लोग उस वक्त वो छल ने एक्चुअली मुझे एक फेज से निकाला जो शराब के फेस से निकाला छल मैंने मतलब काफ़ी एंगर के साथ बनाई थी एंगर ये कि मैं लोग मेरे को एज अ टेक्नीशियन देखें मैं दिखाऊं कि मैं क्या क्या तो छल में मैंने लोगों को डैजल करने के लिए एक्शन अच्छा करूँगा ये सारी चीज़ें अच्छा करूँगा तो उसमें बहुत कमाल का एक्शन था फिल्म में आज भी मतलब एक्शन बहुत ही कंटेम्प्रेरी लगता है आपको एंड यू गुड एक्टर्स के के मैनन के मैनन के के की कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी पांच कर चुका था वो अटकी थी वो अटकी थी पांच उसने भोपाल एक्सप्रेस की थी रिलीज़ नहीं हुई थी छल पहली रिलीज थी के के की के के को मैं जानता था उसने मेरे साथ टीवी किया था के के, के साथ एक अच्छा एक ट्यूनिंग है मेरा यू नो हमेशा खड़ा रहता है जब भी मैं उसको हेल्प मांगता हूँ वो आ जाता है केके के साथ मैंने लोगों को पता नहीं मैंने बहुत काम किया के के साथ टी वी काफ़ी काम किया हमने साथ में एंड सो uh, so के, -के uh, मेरा मेरा था कि छल के जरिए मैं के, के को एक्शन हीरो बनाऊँ एंटीथीसिस हाँ के उसको के टॉल हैंडसम गाय यू नो थोड़ा एक ब्रूडिंग इंटेंसिटी थी के के की तो मुझे लगा केके को एक्शन हीरो के, के रोल में ना आई गेट के के एज एक्शन हीरो एंड उसमें विलेन के रोल में मैंने प्रशांत नारायणन को लिया था एंड प्रशांत ऐसे ही सिजलिंग चैनल में मिला था आप मानोगे नहीं मैं प्रोड्यूसर्स के साथ बैठा था प्रोड्यूसर्स ने मुझे कहा था कि मेरे पास अस्सी नब्बे लाख रुपये उसके ऊपर मैं खर्च नहीं कर सकता हूँ फिल्म पर तो ठीक है बना लेंगे उसमें तो एक्टर्स हम लोग ढूंढ रहे थे बहुत सारे एक्टर्स ने मना कर दिया था आदित्य श्रीवास्तव ने मना कर दी थी फिल्म फिर अतुल कुलकर्णी ने मना कर दी थी फिल्म तो मैं हम लोग बैठे थे सोच रहे थे क्या करें मैंने उनको इरफान खान का नाम सजेस्ट किया था तभी वो इरफान को ज़्यादा जानते नहीं थे नहीं। लोग तो उन्होंने कहा कि इरफान पता नहीं वो वो डाउटफुल थे इरफान को लेकर वह रेस्टोरेंट में प्रशांत मिल गया वो आया मेरे पास ऐसे कान में बोल के गया मेरे साथ तो करोगे नहीं कुछ तो बाहर निकला तो मैंने प्रशांत को बुलाया बोले प्रशांत स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ कल पढ़ ले हाँ ठीक है भेज दो पर प्रशांत का टिपिकल एटीट्यूड था हाँ भेज दो भेजा उसका फ़ोन आया कि यार ये कौन सा गिरीश का रोल मैं कर रहा हूँ बोला हाँ भाई आई कॉन्ट इट ये तो बहुत बड़ा रोल है बोला हाँ तेरे को क्या लगा बोला मुझे लगा कि एक आध सीन करवा रहे हो मेरे से नहीं गिरीश तू कर रहा है और प्रोड्यूसर मान गया था पता नहीं उसको प्रशांत अच्छा लगा बोला कि नहीं इसको ले लेंगे प्रोड्यूसर भी गटसी था नितिन भाई करके वो मान गए और हमने वो फिल्म अस्सी नब्बे लाख में बनाई थी हमने लेकिन उसमें शाम कौशल जो गायब थे उन्होंने प्रहार करके फिल्म की थी उन्होंने फिजा की थी लेकिन वो गायब थे शाम कौशल ने एक्शन किया था उसमें तो मतलब पता नहीं मेरे ख्याल से दस बारह लाख रुपए का बजट दिया था हमने पूरी फिल्म का एक्शन करने के लिए लेकिन उन्होंने कमाल का एक्शन किया था मतलब ऐसा वो हॉन्गकॉन्ग स्टाइल एक्शन फिल्म बनाने की एक कोशिश थी लेकिन उसमें फ़िल्म में कुछ था नहीं कहने को ये एक्टर्स अच्छे थे मेरा था एक थियोरी थी कि ऐसी कमर्शियल फिल्म अच्छे एक्टर्स के साथ बनाई जाए जो आज जो ये सारी एक्सपेरिमेंट्स जो उस वक्त की थी ना वो आज काम आ रही है कि राजकुमार राव प्रतीक गांधी अच्छे एक्टर्स के साथ आप ऐसे काम करो जो लोगों तक पहुँचे तो वो कोशिश वही थी उस वक्त भी लेकिन वो भी नहीं चली छल भी नहीं चली छल चल भी मतलब अप्रिसिएशन उसका लिमिटेड था दिल पे मतलब से ज़्यादा अप्रिसिएटेड थी तो उस अगेन और पैसे तो बिल्कुल नहीं कमाए उस फिल्म के लिए मुझे शायद डेढ़ लाख रुपया मिला था डेढ़ या दो लाख रुपये मिले थे उस फिल्म के लिए तो मतलब एक साल चली थी कैसे सर्वाइव करे आदमी और प्रोड्यूसर मैंने एक ही कंडीशन रखा था कि मुझे महीने के आप बीस हज़ार रुपये दे देना तो बीस हज़ार रुपये पे मतलब वो एक साल बीस हज़ार रुपये पर मंथ पे चलाया था मैंने तो उस टाइम पे आए थे मेरे पास हैरी बवेजा उनका फ़ोन आया था मुझे ऑफिस बुलाया उन्होंने कहा कि मेरा बेटा आया है अमेरिका से वापस और आ, मैं चाहता हूँ कि वो फिल्म प्रोड्यूस करे गेट्स इनटू टू फिल्म प्रोडक्शन इज़ ट्रेंड एज एन एक्टर हरमन हरमन बवेजा एंड तुम Uh, मतलब ऐसी कुछ फिल्म है मुझे है करनी है अमेरिकन पाई जैसी सेक्स कॉमेडी तो मेरे साथ सुपर्ण मेरा पार्टनर इन क्राइम हमने सुपर्ण ने मेरे ख्याल से तीन दिन में एक uh, स्टोरी और बेसिक स्टेप आउटलाइन बना लिया था हमने हैरी जी को डरेक्ट किया ओके डन जो ही न्यू कमर्स थे आठ नौ न्यू कमर्स थे जिसमें आमिर अली आ, पायल रोहतगी समिता बंगार की जो जिसने आशिश्वारी आशिश्वारी की शादी किया समिता ये सब नए थे प्रशांत चैनानी करके थे यश पंडित श्रद्धा और श्वेता का भाई भा, बड़ा भाई तो यश था वैभव करके था वैभव झलानी तो ऐसे सब लोगों को हमने मतलब एक पुनर्नवा पाखी अब्बास टायर वाला की वाइफ हाँ पाखी इन सब की पहली फिल्म थी तो ये सब फिल्म में थे फिल्म बनाते बहुत मज़ा आया हरमन की पहली फिल्म एज ए प्रोड्यूसर उन्नीस साल का था शायद हरमन तो उस फिल्म में दोस्ती बहुत अच्छी हुई इन सब के साथ बहुत मज़ा आया इन फिल्म बहुत ही बुरी थी <laughs> <laughs> माने एक और फेलियर फिल्म अच्छी चली अच्छा चली थी या फिल्म ने अच्छा किया था उसका म्यूजिक बहुत अच्छा था शंकर एहसान लॉय जावेद साहब उसका टाइटल ट्रैक एकदम मिठेड आज के दौर में वो टाइटल ट्रैक मतलब बहुत बड़ा हिट होता hmm. नो इंटरनेट के दौर पे इट वुड बीन ये क्या हो रहा है वो का टाइटल ट्रैक था hmm. तो उसमें मतलब नए सिंगर्स थे मतलब अच्छे अच्छे कुणाल गांजावाला की पहली फिल्म थी वो एज अ प्लेबैक सिंगर कुणाल गांजावाला उस वक्त ज़्यादातर कोरस करता था यू नोर you know, वो क्लिंटन एंड हिज वाइफ वो लोग एक कोरस का कोरल अरेंजमेंट्स का उनका ग्रुप था वो लोग करते थे तो शंकर ने कुणाल को प्लेबैक में लेके आया वो hmm. तो वो, म्यूजिक बहुत अच्छा था म्यूजिक बहुत अच्छा था फिल्म बुरी इन सेंस ये थी कि वो मुझसे एक्सपेक्टेड नहीं थी उस फिल्म के बाद एक्चुअली बहुत सारी सेक्स कॉमेडीज बनी मस्ती स्टाइल ये जो उस तरह की जो फिल्म है ना वो बॉयज़ आफ्टर hmm. विद हाइपर एक्टिव हॉर्मोन्स वो बहुत सारी ऐसी फिल्म बनाई एंड वो चली भी बहुत ज़्यादा ये ठीक ठाक चली थी इट मेड मनी गाने हिट हुए थे म्यूज़िक अच्छा चला था आ, लेकिन फिल्म जो मैं एज अ फिल्म मेकर तब तक मर चुका था तो ये गद्दारी वाला फेज़ था गद्दारी खुद के साथ नहीं मेरा ये मैं तो वैसा भी सोचना नहीं था मैंने सोचा कि अब जो आए आपके पास वो ले लो उसको करो ईमानदारी से करो मैंने ईमानदारी से बनाई थी फिल्म मतलब बेईमानी ज़ीरो मैंने आज तक कोई भी काम बेईमानी के साथ नहीं किया मैं ये नहीं कि जाके कुछ भी आप मोबाइल पे बैठे हो या आप सो रहे हो और कोई और कर रहा है वो नहीं किया वो काम मैंने आज तक अपने काम वो मेरे लिए काम लेकिन काम मेरे लिए वो एक जरिया बन गया टू तो रन अवे फ्रॉम द वर्ल्ड तो कोई भी काम आता था मैं मना नहीं करता था मैं स्क्रिप्ट सोचता नहीं था कि अच्छी बुरी मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये सारे थाट्स आते नहीं थे आई वॉन्टेड टू स्पेंड टाइम ऑन सेट इट गेव मी एन एस्केप फ्रॉम लाइफ टू फिल्म मेकिंग दैम बिकेम एन एस्केप फ्रॉम लाइफ द इंसिडेंट ऑफ टू थाउजेंड विद दिल पे मतल यार आई जस्ट वॉन्टेड टू रन अवे फ्रॉम

बेसी फेज था जो वक्त मिलता था उसमें भी मतलब शराब के नशे में मतलब धुत रहता था सो so, हाँ वो था मतलब उसमें उसके बाद तीन और फिल्में बनाई मैंने जो कभी रिलीज ही नहीं हुई डब्बे में हाँ वो डब्बे में ही रह गई कैंड फिल्म फेस्टिवल कैंड <laughs> जो जिनमें तीनों में आमिर अली था आमिर को हमने तीन बार लॉन्च करने की कोशिश की तो वो नहीं हुई वो फिल्में बाहर आई नहीं तो और भी मतलब बिकेम अ डीपर होल फिल्में मतलब इंटरेस्टिंग थी मतलब पता नहीं आज देखूँ तो कैसी लगे मुझे फिल्म आपकी अच्छी बुरी हाइंडसाइट में होती उस वक्त तो आप अच्छी बना रहे हो वो तीन फिल्में बनाई कोई रिलीज नहीं हुई सब अटक गया एंड लकीली मतलब उस वक्त मुझे लाइक ऑलमोस्ट लाइक ऑक्सीजन मुझे फ़ोन आया था मैंने एक फिल्म बनाई थी अनजान जिसमें आमिर अली विपुल गुप्ता तो के एक्टर है एंड मैक चहल उनकी फिल्म थी मतलब इंटरेस्टिंग फिल्म है मतलब वो सोलह दिन में हमने बनाई थी वो फिल्म तो वो एक दौर था सेक्स कॉमेडीज का सेक्स फिल्म्स का जो जिसमें वो हवस और ऐसी बहुत सारी फिल्में एक पूरी इंडस्ट्री शुरू हो गई थी जिसमें ना सेक्स फिल्म बन रही थी स्लपस्टिक कॉमेडी भी था उसमें बहुत उसमें कॉमेडी कम था वो मतलब सीरियस रिलेशनशिप ड्रामा वगैरह होती थी जिसमें आ, जिसमें सेक्स बहुत बॉडी शो बहुत होता था गाने हिट गाने होते थे उसमें वो एक फॉर्मूला बन गया था एंड वो सस्ते में बनती थी पंद्रह बीस दिन में तो उस फेज में मेरे पास भी वैसी फिल्म आई मैंने उस फिल्म को रिस्पेक्टेबल बना दिया जो प्रोड्यूसर को अच्छा नहीं लगा कौन सा अनजान अच्छी फिल्म नॉट अ आज पता नहीं है मैंने देखी नहीं है कभी फिल्म वो दोबारा लेकिन वो फिल्म इंटरेस्टिंग थी वे इट वॉज शॉर्ट द इट वॉज मेड लेकिन वो उसमें महक से दोस्ती हुई मेरी महक ने संजय गुप्ता को जानती थी संजय गुप्ता को मेरा नाम रिकमेंड किया और संजय ने मुझे बुलाया उसने छल देखी थी उसको छल अच्छी लगी थी फेल्ट यू नो उसके टाइप की फिल्म थी बहुत ही स्टाइलिश स्लिक एक्शन थोड़ी कूल टाइप की फिल्म थी साउंड काफ़ी मतलब भारी भरकम था उसका तो ही आस्ट मी टू डायरेक्ट अ फिल्म फॉर हिम तो वुड स्टॉक मिला करके मैंने संजय के लिए फिल्म डायरेक्ट की तो आपने उसमें सिकंदर खेर को लॉन्च किया सिकंदर खेर और नेहा ओबेरा है uh... सिकंदर खेर को आपने लॉन्च इसलिए किया क्योंकि वो फैमिली बैकिंग थी या संजय ने रेकमेंड किया क्या था मेरे लिए फ्रेंकली ये था कि अगर संजय को अगर सिकंदर चाहिए था तो मैं सिकंदर के साथ करता कि मुझे फिल्म शुरू करवानी थी हुँ. कोई हमें एक्टर नहीं मिल रहा था उस फिल्म में हुँ. फिल्म करने के लिए कोई भी हीरो नहीं मिल रहा थाने कई लोगों को ट्राई किया हाँ ये भी थॉट था कि नए लोगों के साथ करेंगे वी लॉन्च समबडी न्यू तो सिकंदर वॉज दैट ऑफिस आया था संजय ने मुझे बुलाया ऑफिस कि दिस इज़ कि लेट्स मेक इट विद हिम ऐसे करके बस इतना था संजय का ये था बहुत इम्पलसिव इंस्टिंगटिव डिसीजन मेकिंग होता था एंड वी मेड द फिल्म विथ लाइक आई मेट सिकंदर आई लाइक्ट हिम एंड हम रात को खेर साहब के घर गए uh, किरण जी के साथ सिकंदर उनके साथ बैठे अगले दिन साइन किया सिकंदर को एंड फिल्म शुरू हो गई ये था मतलब प्रोमो शूट किया हमने पहले जो तो संजय की स्टाइल है ये जैकेट में बारिश भी बारिश में अच्छे अच्छी बाइक पे हीरो की एंट्री होती है हमने पूरी एंट्री शूट की कूल सा गाना था अनु मलिक का उस पर एंट्री शूट की हमने खूब पूरा दिन लिया एंट्री शूट करने में एंड uh, वो एक पर्टिकुलर टाइप की फिल्म जो संजय गुप्ता इज नोन फॉर वैसी फिल्म हमने बनाई क्या वो फ़िल्म आपने दिल से बनाई मैंने देख दिल से तो मैं सब कुछ मैं शूटिंग तो दिल से ही करता था बट मुझे वो फिल्म मुझे वो फिल्म जब मैंने खुद देखी मुझे समझ में नहीं आई <laughs> <laughs> मतलब इन सेंस कि मुझे ये लगा कि जब फिल्म तैयार हुई फिल्म को बनाने में टाइम वक्त लग गया था hmm. एक डेढ़ साल हो गए थे थोड़ा सा क्राइसिस तब मैं तब तक आ, फिल्म बनाते बनाते संजय की कंपनी में जुड़ गया था मैं वाइट फेदर फिल्म में आई स्टार्ट वर्किंग फॉर देम एंड तो उस वक्त कंपनी के अलग अलग प्रोडक्शंस थे वो संभालने में कंपनी वाज गोइंग थ्रू अ टफ फेज आफ्टर वन पॉइंट संजय डिस्प्यूट्स शुरू हो गए थे उनका रिफ्ट शुरू हो गया था संजय दत्त के साथ तो वो फेज़ में मैं आ गया था कंपनी में तो उसके साथ साथ मैं फिल्म बना रहा था एंड ये हो गया था कि ऑब्जेक्टिविटी मेरी ख़त्म हो गई थी फिल्म हम बना रहे थे एडिट कर रहे थे उसमें संजय ने भी काफ़ी फिल्म में मतलब ही पार्टिसिपेटेड इन द मेकिंग ऑफ द फिल्म फाइनल कट संजय ने अप्रूव किया था एंड uh, uh, फिल्म जब मैंने देखी जब ट्रायल हुआ फिल्म का तो मुझे सारे कई लोगों ने आके बाहर कहा कि यार सॉलिड है फिल्म मस्त है और मैंने फिल्म देखी फिर अलग से ट्रायल में मैंने देखा मैं बोला यार ये तो समहा ऑब्जेक्टिवली आई वॉज एबल टू वॉच द फिल्म मैंने फिल्म देखी बोला ये तो नहीं है यार ये फिल्म ही नहीं है पता नहीं इनको कैसे अच्छी लग रही है कि डू आई वॉन्ट टू मेक दिस वो एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन आ गया था मेरा मैं तब तक ऊब गया था मैं मुझे लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ इतने सालों से आई एम जस्ट गोइंग राउंड एंड राउंड आई एड ऑल्सो मेट सफीना हुई मैरिड टू नाउ बाई देन दो हजार पाँच में हम लोग मिले थे वेरी एक्सेंशल मीटिंग सो शी ऑल्सो इज़ टू आसमी की क्यों वो दिल पे मतलेयार की फ़ैन थी सरप्राइजिंगली वो मिली थी जब मुझे शी मैटमी एज अ दिल पे मतलेयार फैन एज एकोनॉमिस्ट एंड एन ऑन्टरप्रिनर बट ऑल्सो एज समबडी यू वेड लव दिल पे मतलेयार वो अमेरिका में रहती थी उन्होंने फिल्म देखी थी तो एट मैटर एंड शीज टू आसमी तुम ये सब क्या कर रहे हो क्यों वाई ड्यू नीड टू डू इट कि मैं हूँ ना तुम्हारी जिंदगी में आई विल सपोर्ट यू लेकिन वो करो जो करना तुम्हें, तुम्हें, तुम्हें करना है मतलब वो उस वक्त तो ये होता था जो ये वो करो जो करना है मुझे खुद ही नहीं पता मुझे क्या करना है अब अंदर से नंब थे नंब था पूरा एकदम डेड कोमाटोज तो वो क्वेश्चन जब मैंने वुडस्टॉक विला देखी दैट्स वेन ऑलमोस्ट इट वॉज लाइक अ मोमेंट क्या कर रहा हूं मैं कि ऐसे ही करते रहूंगा ये तो मतलब नेवर एंडिंग है एंड आई विल बी फिनिश्ड ये मैं ख़त्म हो जाऊँगा ये अगर मैंने ये जारी रखा तो एंड आई थिंक दैट वॉज द डिफाइनिंग मोमेंट एंड सफीना को मैंने कहा था आई टोल्डर कि देखो अगर मैं ये सब काम छोड़ता हूँ अगर मैं फिल्में नहीं बनाता हूँ तो तुम सपोर्ट कर पाओगी मुझे बोला तुम्हें थोड़ा सा इकोनॉमिकली रहना पड़ेगा बोला नहीं वो कर लेंगे तो हमने तभी लोनावला के आगे कारला में घर लिया था हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ जाके रहेंगे हम बॉम्बे में रहेंगे ही नहीं खर्चा हमारा इसलिए है क्योंकि हम बॉम्बे में रहते हैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के बॉम्बे में हम लोग बॉम्बे छोड़ के चले गए सफीना और में जय तब तक मेरे पेरेंट्स पूना शिफ्ट हो गए थे बॉम्बे में जो मेरा मेरी जन्मभूमि है उसको मतलब मेरे सारे रूट्स काट दिए थे मैंने बॉम्बे से उस वक्त एंड आई वॉज हैप्पी अबाउट इट एक्चुअली नॉट आई वॉज नॉट सैड अबाउट इट मैंने रूट्स काट दिए मैं वहाँ तो से यहाँ से निकल गया और 2008 से लेके ऑलमोस्ट 2011 तक मैं वहीं था अब काम नहीं कर रहे थे कुछ नहीं किया मैंने मैं मेरी वाइफ को हेल्प कर रहा था उसके काम में एंड मैंने बच्चे पैदा किए आई टू डॉटर्स इन दैट फेज किमाया एंड रियाना एंड मतलब वो उन चीज़ों ने बहुत कुछ बदला मेरे लिए बच्चों लड़कियों का आना घर में मेरा घर पुणे के पास था तो आई स्टार्ट स्पेंडिंग मोर टाइम विथ माई पेरेंट्स जय के साथ वक्त बिताने को मिला जय कि जय टीन्स में एंटर हुआ था और बहुत तकलीफ दे रहा था मेरे पेरेंट्स को टिपिकल तो टीन एजर इशूज़ हो रहे थे तो उसमें मुझे इंटरवीन करने का आई बिक आई गॉट टू प्ले फादर फाइनली कि जो मैंने किया नहीं था इतने साल देखा जाए तो एक डिस्गाइज हो गया था हर right? oh. चीज़, It's a blessing in disguise. And मतलब, you know, जो भी फेजस से आप गुजरते हो मैं उनको कभी आई डों ने मुझे जो भी हूँ उन्हीं फेलियर्स ने उन्हीं डिसपॉइंटमेंट्स ने मुझे आज जो भी मैंने आ, हासिल किया है वो उसकी वजह से तो आप जय के करीब हो गए थे जो इतने सालों से आप ऑलमोस्ट नहीं थे उनके लाइफ में हाँ मतलब कम था मैं था हाँ। मतलब उसकी स्कूल जाता था पेरेंट्स मीटिंग अटेंड कर, करता था लेकिन जय के लिए ज़्यादा पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स थे ऑल्सो क्या हो गया था जय मेरी जिंदगी में बहुत मैं तेईस साल का था जब जय पैदा हुआ था तो मैं ऑलमोस्ट कन्फ्यूज़ था कि यार ये क्या करूँगा मैं आई डिन नॉट नो वॉट टू डू विथ फादर हुड अब खुद बच्चे थे ऑलमोस्ट हाँ मैं मतलब जस्ट आउट ऑफ कॉलेज फ्यू ईयर्स बिफोर दैट आउट ऑफ कॉलेज मैं अपनी करियर को ढूंढ रहा था कि मुझे करियर पाथ ही नहीं था मेरे पास उसमें बेटा हो गया था मैं मेरे दोस्त लोग नाइट क्लब जाते थे मैं बच्चे की डाइपर्स बदल रहा हूँ यू नो तो वो बहुत अर्ली हो गया था मेरी जिंदगी में इट हैपन अर्ली बट आई एम हैप्पी कि वो वो अर्ली हुआ इसलिए आई गॉट टू बी फ्रेंड्स विद माई सन यू नो आई रादर देन मोर देन बींग अ फादर आई आई थिंक बिकेम वी बिकेम फ्रेंड्स वो उसकी सिनेमा का एक uh, जो इनिशियल ग्रूमिंग था वो मेरी डीवीडी से हुआ उन्हें वो फिल्म्स देख देख के आ, वो मुझसे बातें करता था सवाल करता था एंड वो उससे हम करीब हो गए एंड उसने एट वेरी यंग एज ही सेड कि मुझे आई वांट टू बी पार्ट ऑफ व्हाट यू डू मैं कुछ काम नहीं कर रहा था तो मैंने उसको अनुराग के पास भेजा क्यों बहुत कम लोग जानते कि अनुराग ने उसकी पहली फिल्म मेरे लिए लिखी थी जयते अनुराग की पहली फिल्म थी कश्यप तो मैंने अनुराग को फ़ोन किया कि भाई मेरा बेटा है तुम तो मिल ले उसे अगर काम दे सकता है तो दे दे एंड तो अनुराग मिला जैसे उसने फ़ोन किया कि सर अच्छा है लड़का अच्छी फिल्में देखता है वो तो रख लेता हूँ देख लेंगे तो दैट गर्ल इन येलो बूट्स और गैंग्स ऑफ वासीपुर ये दो फिल्मों में जय अनुराग की टीम में था काफ़ी मतलब जू, जूनियर था उन में लेकिन बहुत सीखा वो फिल्मों के बारे में ज़िंदगी के बारे में जय हिज अर्ली बेबी स्टेप्स ऑफ विद अनुराग कश्यप एंड उसके बाद तब तक मतलब मैं तीन साल कुछ कर नहीं रहा था मैंने 2010 में मैंने शाहिद आज़मी के बारे में पढ़ा था न्यूज़पेपर्स में कि वो एक लॉयर था जो मारा गया था एंड आई सेड कि इसको मैं इस कहानी को मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ तो मैंने उस कहानी पे थोड़ा रिसर्च किया थोड़ा काम किया एंड मुझे लेकिन मेरे पास कोलेबरेटर्स थे नहीं कि किसके साथ करूं क्या करूं तो तब मैंने एक राइटर था जिसने मुझे एक स्क्रिप्ट दी थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी थी लेकिन उसमें राइटिंग स्किल दिखी थी मुझे उस स्क्रिप्ट में तो उस राइटर को मैंने वो आया था मैं मुझसे झगड़ा करने कि आप मेरी स्क्रिप्ट आपको अच्छी नहीं लग रही एक दिन बताऊँगा आपको मैं कौन हूँ और आप मेरा नाम ऐसे सब मतलब उसने बड़े फिल्मी डायलॉग्स मारे थे समीर करके समीर गौतम सिंह करके तो आया मैंने बोला यार दूसरी स्क्रिप्ट लिखेगा मेरे लिए मैंने उसको कहानी बताई वो मतलब दो दिन के अंदर वो शाहिद आज़मी के घर पहुंच गया था उनसे उसकी फैमिली से बातचीत करके उसकी कहानी का एक वो बनाना उसने शुरू किया हमने बहुत सारी कहा वो फिल्म की स्क्रिप्ट हमने लोनावला में बैठ के लिखी लेकिन उस फिल्म में ये था कि मुझे पता नहीं था फिल्म बनेगी कैसे क्योंकि पैसे थे नहीं और उस वक्त मतलब अनजान में एक तरीके से को प्रोड्यूसर और राइटर उसमें सुनील बोरा थे जो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं तो सुनील के पास मैं पहुंच गया वो तभी प्रोड्यूस करने लगा था गैंग्स ऑफ वासीपुर में को प्रोड्यूसर था सुनील तो मैंने उसको फ़ोन किया कि यार मिलना है तुझे एक कहानी है तो सुनील का आइए ऑफ़िस तो गया सुनील मुझे मिलने आया बोला सर रात भर सोया नहीं हूँ बहुत बिजी था आप जो भी है पाँच मिनट में बता दीजिए मैं और उससे ज़्यादा सुन नहीं पाऊँगा मैंने कहानी उसको पाँच मिनट से कम में बता दी एंड सुनील लेगा ये बना रहे सर कमाल है एंड दैट वाज इट जस्ट इट बनाते एंड हमने काम शुरू किया फिल्म को लिखना एंड हमें पता नहीं था कैसे बनेगी सुनील को भी पता नहीं था क्योंकि सुनील ने कोशिश की कि भाई मुझे कुछ स्टार्स से मिलाए कि कोई स्टार आ जाएगा तो स्टूडियो आ जाएगा फिल्म बन जाएगी लेकिन वो हो नहीं रहा था मतलब स्टार्स मेरे साथ काम करने को तैयार नहीं थे क्योंकि उसकी मेरी इससे पहले वाली फिल्म थी वुड स्टॉक विला तो हाउ विल एनी बडी ट्रस्ट मी सो देव ट्रस्ट डेफिसिट था लोगों में तो स्टार्स तैयार नहीं थे नए और मुझे यंग एक्टर्स चाहिए थे नए एक्टर्स आ रहे थे उस वक्त उन नए एक्टर्स के पास भी गया उन्होंने भी मना कर दिया वो नहीं चाहते थे कि वो मुझे ट्रस्ट करे अपनी करियर के साथ तो बड़ा मतलब एक अजीब सी असमंजस में फंस गया था कि कैसे करे कैसे करे एंड कुछ लोगों को विद्वान लोगों को स्क्रिप्ट दी गई थी कि भाई आप इसका बजट तो बनाओ कितने की प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है उन्होंने साढ़े चार करोड़ का बजट पेपर पे, -पे, -पे डाल दिया था तो मैंने खुद कहा भाई साढ़े चार करोड़ में ये फिल्म कैसे बन सकती है मैं अगर प्रोड्यूसर होता तो नहीं बनाता तो फाइनली सुनील को कहा कि भाई सुनील ये फिल्म हमको करोड़ रुपये से कम में बनानी पड़ेगी बोला तो आप उतने में बनाते हो तो मैं खुद पैसे लगा दूंगा ये होगा कौन इसमें बोला वो अब तू मत पूछना वो जो आएगा बोला ठीक है हम देखते हैं कौन है तो उस वक्त मुकेश छाबरा सुनील ने मुझे मुकेश छाबरा से मिलवाया था एंड मुकेश से मैं पूछता रहता था यार क्या करें कास्टिंग में हेल्प कर क्या कर सकते हैं उसने मुझे बोला बार बार बोलता वो वासीपुर की शूटिंग करके आया था गैंग्स ऑफ वासीपुर की मुकेश ने उसमें रोल किया था और उसने उसमें राजकुमार राव को कास्ट किया था उसने कहा कि सर वो राजकुमार करके एक्टर है उसको आप मिल लो एक बार एक्टर बहुत अच्छा है वो करेक्ट है इसके लिए बोला यार करेक्ट होगा तो भी मैं क्या करूँ पैसे कोई लगाएगा नहीं और सुनील बार, बार बोलता है कि सर ये मुकेश मुकेश और अनुराग कश्यप आपको मरवा देंगे सबने <laughs> ऐसे एक्टर्स को मतलब आपसे मिलवाएंगे जो जिनकी पिक्चर कोई देखेगा नहीं ये मत करिएगा आप कोई अच्छा नाम लेके आइएगा ओके डोंट गिव अप वो बार बार मुझे वो चाबी मारता था तो मुकेश पीछे लगा रहा मैंने बोला उसको मिलके क्या करूं राजकुमार से मैं तो उसने बोल पा आप मिल लो चाय पी लो बस बाकी कुछ मत करना ठीक है मेरे लिए मिल लो तो उसने कहा मैं बोला ठीक है मिल लूँगा बोला वो ऑफिस के बाहर ही खड़ा है ऑफिस बिल्डिंग के नीचे खड़ा है राज उसको अभी भेज रहा हूँ आपके पास तो पाँच मिनट के अंदर मतलब लिफ्ट में वो राजकुमार नीचे ही था वो मतलब आया मेरी ऑफिस में राज एंड पता नहीं मतलब वो एक मोमेंट था अगेन लाइफ में वेर इट वॉज वन ऑफर द मोस्ट डिफाइनिंग मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ कि आया वो मैंने उसको दस मिनट में उससे बातचीत करके मैंने कहा कि यार मुझे पता नहीं कैसे होगा बट फिल्म तुम ही करोगे कि शाहिद तुम ही हो एंड कुछ था उसमें राजकुमार में उसकी आँखों में उसके यूरो जो एक मैनर में उन्होंने कुछ ऐसे कहा आपसे जैसे आपको लगा कि यही लड़का है उसने उसने ये कहा कि सर ये मुझे करनी है सर मुझे ना ये मेरी रेजिंग बुल है कि वो ऐसा पार्ट के जो मतलब मैं खुद कब कर सकूँ कि मैं प्रिपेयर कर सकूँ कर वो मतलब वो एक आया था एक शिद्दत के साथ एक नया एक्टर है जो कि जिसको एक टाइटल रोल मिल रहा है तो वो उस शिद्दत के साथ आया था लेकिन वो उस बात से ज़्यादा मुझे राजकुमार के चेहरे पर उसकी बाक़ी बातों में एक ऑनेस्टी एक कनेक्शन आई जस्ट कनेक्टेड विथ राजो ऑलमोस्ट लाइक कि कोई मुझे कि जैसे पहले शायद एक और बेटा पैदा हुआ था उस तरह से आई जस्ट कनेक्टेड विथ इट्स है आपके लिए बेटा भाई मतलब आई डोट नो रिश्ते का कोई नाम नहीं है बट ही इज लाइक अ वेरी वेरी क्लोज फैमिली मेम्बर समबड़ी दैट ही ब्रॉट राज ब्रॉट यू नो इन अ वे ब्रॉट लक टू माई लाइफ ही गेम ही बैक माई लाइफ उसका उसका वो उस दिन आना हम दोनों के लिए हम दोनों के लिए मतलब हमारी जिंदगी को उस दिन ने बदल दिया कि आई मतलब मैंने सुनील को बोला कि यार मिला हूँ मुझे अच्छा लगा मैंने उसके बाद फोटोशूट किया राज के साथ वो जय को मैंने भेजा था जय तभी आई टोल्ड जय वाजीपुर खत्म हो गए तुम मुझे ज्वाइन कर लो तो जय मेरे साथ काम कर तो जय और मेरा एक असिस्टेंट थे शिशिर जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन से है। तो उन दोनों को मैंने यारी रोड आराम नगर फेमस आराम नगर में बीच आराम नगर में राजकुमार ने एक लॉयर का कोट पहन के फ़ोटोशूट किया था और वो फोटोशूट हमने फिल्म का टाइटल नहीं था तभी हमारे पास क्योंकि हमको कहा गया था कि फ़िल्म का नाम शाहिद नहीं रख सकते हो आप क्योंकि मुस्लिम नेम है hmm. कि न्यूट्रल नाम रखो तो फिल्म की स्क्रिप्ट पे ना और टाइटल पेज पे कोई टाइटल नहीं था सिर्फ लिखा था बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी तो एक दिन मुझे फोन आया थ्रिल बराफ दूसरी फिल्म बना रहे थे रामगोपाल वर्मा के साथ तो रामगोपाल वर्मा का फ़ोन आया मुझे हल सर आई लव द टाइटल ऑफ योर फिल्म वॉट टाइटल बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी ब्रिलियंट टाइटल

तो वो टाइटल मिल नहीं रहा था बिकॉज इट्स विद स्टिल विथ यू नो डिम्पल फिल्म या जो भी मतलब राजेंद्र कुमार uh, की जो कंपनी है कुमार गौरव की फिल्म दैट टाइटल इज स्टिल रजिस्टर्ड विद दैम तो लव स्टोरी मिल नहीं रहा था तो वो पीपल आर सजेस्टिंग ऑल काइंड ऑफ नेम्स तो मैंने उनको बोला कि सर इसका नाम आप अ लव स्टोरी कर दो हाँ तो ही वेरी हैप्पी ब्रिलियंट टाइटल ब्रिलियंट टाइटल तो दैट्स वेन ही तो ये हमारी बातचीत हो रही थी एंड उन्होंने मुझे ये डीवीडी भेजा मैंने देखा ऐसे कि मैं ये सबवर्ट कर सकता हूँ आई कैन मेक दिस फिल्म पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हमने ना ये एक, एक नया तरीका निकाला जस्ट टू मेक कि फिल्म बनाएंगे कुछ भी हो जाए फिल्म बनाएंगे तो हमने दस जने की यूनिट के साथ जिसमें मैं जय मेरा कैमरामैन अनुज जिसकी पहली फिल्म थी आज अनुज की फिल्म क्रू रिलीज़ हुई है जो उसने शूट की है उसने सोन चेरिया शूट की उसने बड़ी बड़ी फिल्म्स, बड़े बड़े शोज़ ये किलर सूप ये सब अनुज ने शूट किया है ही वर्क्स विद सम बिग डायरेक्टर्स ऑफ द कंट्री तो अनुज की पहली फिल्म थी तो अनुज उसका एक फोकस पुला, नो no लाइट्स राजकुमार एक वन पर्सन टू हेल्प विथ मेकअप कंटिन्यूटी एंड कॉस्ट्यूम्स वगैरह हम खुद कर रहे थे हमने एक आदमी को पकड़ा था इरफान करके जिसने एक बेसिक राजकुमार के लॉयर के तीन चार सूट बना के दे दिए थे बाकी लिटरली राज यूनिट में वो पहुंचता था शूटिंग पे किसी का भी अच्छा आपका शर्ट के यार तेरा शर्ट दे दे वो किसी का भी शर्ट पहन लेता था उसको लगता है बहुत वाइट शर्ट पहन लिया तो वो किसी का भी वो पहना हुआ शर्ट निकाल उसको उसे ले, ले लेता था पहन के उसको दूसरा अपना खुद का टी शर्ट दे देता दे था, था और वो शर्ट दे देता दे दे था, था तो उसमें फिल्म में उसने सारे शर्ट्स वगैरह है वो किसी और के हैं एंड वो मैं बोलता राज मैं शर्ट इतना मेरे पास है मैं ख़रीद लेता हूँ यहाँ आजू आजू की दुकान से नहीं सर ये वोन है लग रहा है एज लग रहा है मैं क्यों मतलब नया शर्ट पहनूँ मेरा कैरेक्टर ऐसा है तो मतलब वो लोगों के पहने हुए शर्ट्स पहने हुए कपड़े पहन के उसने सीन्स किए उसमें तो वो एक अलग डेडिकेशन था हमने वो फिल्म 35 लाख रुपए में बनाई जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था 35 लाख था लेकिन 11 महीने लगे क्योंकि तब तक पैसे ख़त्म हो चुके थे सुनील का भी कुछ इशू चल रहा था उसने बहुत इन्वेस्ट कर लिया था बहुत सारी फिल्मों में उसने साईं बीवी और गैंगस्टर वगैरह में इन्वेस्ट किया था कुछ पैसे फंसे हुए थे तो उसने जितना कर सकता था वो देता देते जाता था उसमें हम फिल्म कभी पाँच दे दिए कभी एक लाख दे दिया कभी दो लाख दे दिए टुकड़ों में टुकड़ों में पैसे हमने उसमें आउटडोर शूट किया था हिमाचल में रक्षम करके जगह जगह थी जो शिमला से सोलह घंटे दूर थी वहाँ एक ही होटल थी जहाँ नौ लोग रहते उस गांव में गांव का पॉपुलेशन है बारह सौ हमने वहाँ शूट किया बहुत ही सुंदर जगह है सब लोग हिमाचल प्रदेश टूरिज्म की बस में गए थे हम ट्रेन में गए थे अम्बाला और वहाँ से बस लेके कुछ ऑलमोस्ट चौबीस घंटे लगे थे वहाँ पहुँचने को रक्षम पहुँचने को एंड अनप्रिस्टीन जगह लेकिन हमारे पास बजट था छः लाख रुपया उस पूरे शेड्यूल का सात दिन का शेड्यूल था तो आज सोचते हो कि सात लाख रुपये में छः लाख रुपये कैसे किया उसमें रहना खाना पीना शूटिंग सब कुछ हो गया वहाँ के यूथ कांग्रेस के बच्चों को लेकर उनको सबको कपड़े पहना दिए थे तो, टेररिस्ट के टेरिस कैंप के जो यूथ यू, कपड़े हैं वो सब वहाँ उनको वहाँ लोकल यूथ कांग्रेस और जितने मतलब यूथ लीडर्स थे उनको पकड़ के सबको सपोर्टिंग एक्टर्स बनाया था हमने तो तो कभी कैमरा फेस नहीं किया था लेकिन वो मतलब उसमें चंडीगढ़ से एक एक्टर को हमने पिकअप किया मुकेश ने बोला था वो अच्छा एक्टर है उसको अब लेके आओ ले जाओ वो कर लेगा तो बस में चंडीगढ़ में उसको उठाया आज मतलब वो कमाल काम करते हैं सुविंदर विकी तो सुविंदर तो अभी नया था उसको उठा के लेके गए फिर झीशानयूब ये सारे लोग मतलब जुड़े उसमें जीशान अयूब मतलब ऐसे कमाल के लोग उस फिल्म में जुड़े ना विपिन शर्मा शालिनी वत्स करके एक्ट्रेस है ये सारे लोग मतलब ऐसे ही मेरे रिक्वेस्ट पे आए थे फिल्म करने के मैनन मैंने उसको मतलब सिर्फ फ़ोन किया कि यार के के मैं फंसा हुआ हूँ ये कैरेक्टर है तीन दिन का काम है और बोलना उसने बोला बता ना करना क्या है मुझे करना है बोला हाँ यार कब करना है बोला कल से है शूटिंग तो कर पाएगा क्या हाँ कर लूँगा ना।, ना पैसे नहीं है मैंने मांगे तेरे से सीन्स भेज दे मुझे एंड अगले दिन आ गया क्या शूटिंग करने मतलब दैट इज़ कि उस फिल्म फिर भी आखिरी जब शेड्यूल बचा था उसमें वी आर शॉर्ट ऑफ सम दस बारह लाख रुपये और मैं मतलब काफ़ी डिप्रेस था क्योंकि वो बार बार ना फिल्म रुक जाती थी तो एज टू तो गो लो तो मेरे ससुर जो खुद एक्टर है एक्टर थे यूसुफ साहब यूसुफ़ हुसैन बहुत फिल्में की है उन्होंने तो वो घर पे देखते रहते थे मुझे तो उन्होंने कहा कि भाई तुम इतने डिप्रेस क्यों हो बोला वो फिल्म बन नहीं पा रही है हो नहीं पा रहा है बोला देख मेरे पास पंद्रह लाख रुपये हैं एफ में एंड वो किसी काम के नहीं अगर तुम इतने परेशान होंगे रहोगे तो ये पैसे किस काम के है? अगर आ, मैं तुम्हारी परेशानी नहीं दूर कर सकूँ बोला नहीं आप मतलब आई यू श्योर बोला हाँ हाँ मैं क्या करूँगा इस इन पैसों का उन्होंने मुझे अपना एफडी पूरा ब्रेक करके मुझे पैसे दे दिए एंड उनके पैसों से एक्चुअली फिल्म कंप्लीट हुई जो आखिरी बारह पंद्रह लाख थे वो उन्होंने दिया हमें हमने बाद में वापस कर दिए अलग बात है उन्होंने पैसे दिए फिल्म ख़त्म हुई एंड रेस्ट इज हिस्ट्री मतलब वो मेरी और राजकुमार की ज़िंदगी बदली लेकिन उस फिल्म को बनाने में ग्यारह महीने लगे और उसको रिलीज़ करने में उसके बाद डेढ़ साल लगा लेकिन हाँ वो उसमें चीज़ें होती गई वो फिल्म टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई तो वो पहला मतलब एक था कि हाँ कुछ सही किया है कि ये पैंतीस लाख की फिल्म इतने बड़े फ़िल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई है एंड मतलब वो दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत हुई वहाँ से एक दोबारा एक एटलीस्ट कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मेरे अंदर एक कहानीकार है मैं कहानी फिल्मों के ज़रिए कह सकता हूँ जो कॉन्फिडेंस टूट गया था जो टूट गया था वो वापस आया अच्छी टीम बनी अनुज आया फिल्म को शूट करने अपूर्वासानी जिसने मेरे साथ छल में काम किया था छल एडिट की थी अपूर्वा को मैंने वो बेंगलोर में वो भी खुद कुछ रिटायर करके चला गया था बेंगलोर में कुछ काम कर रहा था मैंने अपूर्वा को फ़ोन किया कि भाई वापस आ जाओ आई नीड यू वो आ गया मेरे कहने पे और मेरा मतलब बहुत क्लोज कोलेबरेटर हो गया मतलब हम दोस्ती तो थी हमारी अपूर्वा आया तो ये सब जुड़ के हम सब ने मिल फिल्म बनाई है फिल्म मैंने नहीं बनाई है लेकिन वो एक अलग ही और वो ये चीज़ ज़िंदगी में एक ही बार होती है बार बार नहीं होती है बन गई वो फिल्म और मतलब जो कुछ उस फिल्म ने दिया मतलब उसमें यही हुआ कि वो फिल्म मेरी मदर ने इधर मामी फेस्टिवल था तो उसमें ये फिल्म उन्हें सेलेक्ट की थी फिल्म दिखाई मेरी मेरे पेरेंट्स देखने आए थे एंड तब तक तो मेरे पेरेंट्स काफ़ी परेशान थे मेरी मदर खास करके शी वॉज वेरी वरिड कि तुम्हारा कि क्या होगा कि यू नो तुम इस तरह से फिल्में बना रहे हो इस तरह का तुम्हारा थिंकिंग है लोनावला में रहते हो कि क्या होगा तुम्हारा आगे बच्चों का ख्याल तुम्हारे अभी चार बच्चे हो गए तुम कैसे ख्याल रखोगे उनका तो पेरेंट्स बहुत परेशान थे तो फिल्म देखने वो लोग आइनॉक्स आए थे मेरे पेरेंट्स आए और मेरी मदर मेरे पास आई और बोला कि बेटा एक शेल्फ बना लेना जहाँ भी घर हो तुम्हारा वो एक शेल्फ बना लेना अवार्ड्स बहुत मिलेंगे तुम। तुम्हें माने रेट कर दिया था हाँ बहुत एंड शी वॉज सो प्राउड शी टीयर्स इन टाइज एंड उसके दिस वॉज आई थिंक अक्टूबर 2012, ट्वेल्व 2013 दो में शी फेब्रवरी पास्ट अवे, वी शी ऑल ओवर सडन शी वी डिटेक्टेड कैंसर इन थ्री डेज टेकन फॉर कीमो एंड शी पास्ट अवे, सो उसके बाद सारी चीज़ें आफ्टर शी पास्ट अवे ना बहुत सारे अवार्ड्स मिले फिल्म यूटीवी ने एक्वायर की थैंक्स टू आमिर खान बिकॉज आमिर सॉ द फिल्म एंड ही आस्क टू सी द फिल्म विद रोनी स्क्रूवाला एंड जरीना तो आमिर किरण रॉनी एंड जरीना वॉचड द फिल्म टुगेदर तो अद्वैत भी था ऑल सॉ द फिल्म टुगेदर एंड आमिर ने रेकमेंडेड द फिल्म टू रॉनी रॉनी लव द फिल्म ही टोल्ड सिड सिद्धार्थ रॉय कपूर टू वॉच इट फिल्म देखी उन्होंने एक्वायर की फिल्म हमसे एट अ गुड प्राइस एट डिसेंट प्राइज पैसे सारे रिकवर हुए थोड़ा सा पैसा सब कमाया तो भी पेड पीपल कम पैसा दिया लेकिन लोगों पैसे film, uh, को पैसे दिए थोड़े से एंड फिल्म रिलीज हुई फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला आई गॉट द बेस्ट डायरेक्टर राजकुमार गॉट बेस्ट एक्टर एंड आर लाइव्स कंप्लीटली चेंज आफ्टर दैट आई थिंक इट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन आर लाइफ्स बस यही था वो रह जाता है ना एक कुछ चीज़ थोड़ा मिलता है थोड़ी थोड़ी चीज़ें नहीं रहती है वो कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता दैट हैपन्स माई मदर वॉज नॉट देयर टू सी इट कभी आ, वो फीलिंग होती है कि काश माँ होती जब मैं नेशनल अवार्ड आज था तक आज तक होता है हर चीज में जब लुटेरे रिलीज हुआ जय लाडला था उनका कि आई सी हर स्माइलिंग फ्रॉम द हेवंस मतलब आई मिस हर एवरी डे मतलब शी वॉज पर सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माय लाइफ हेलो मेरे दोस्तों मेरा अंगार मर्चेंडाइज लॉन्च हो चुका है अंगार यानी कि फायर पावर फ्रॉम विद इन टी शर्ट्स हुडीज स्वेट शर्ट बैग्स मग्स सब अवेलेबल है एट अंगार डॉट स्टोर लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में भी सो चेक आउट द मर्चेंडाइज परचेस इट प्राइस बहुत रीजनेबल है And the clothes are very easy and comfortable to wear. Angar Machao! तो जब आपका डिवोर्स हो रहा था ये या एल्कोहलिज्म में आप घुस गए थे फिल्में नहीं चल रही हैं आप अकेले हो गए थे उस वक्त माँ और आपका रिलेशनशिप क्या था शी वॉज मतलब कुछ जरूरत से ज़्यादा सपोर्टिव थी मेरे दोनों माय पेरेंट्स मम एंड डैड बोथ बहुत जरूरत से ज़्यादा सपोर्टिव थे दोनों तो मतलब मैं ना एक वो जो कहते हैं ना लोग के क्या है डिस्टर्ब चाइल्ड हुड इसलिए मेरी फिल्में ऐसी है मेरा कुछ नहीं था ऐसा वेरी वेरी गुड पेरेंट्स आई हेड अ वेरी नॉर्मल चाइल्ड हुड एंड मेरे पेरेंट्स दे व लवली मतलब मतलब कुछ जरूरत से ज़्यादा अच्छे थे तो एंड दे ऑल्सो पेम्पर्ड मी दे इंडल्सड मी कि मैं मैंने जिंदगी में इतने सारे रिस्क लिए इतनी चीज़ें की विथ ऑल दिज रिस्पांसिबिलिटीज एंड दे नेवर स्टॉप मी परेशान रहते थे मेरे लिए बहुत परेशान रहते थे कि होगा क्या पता नहीं यू नो विली रियली मेक इट वो इस बात को लेकर बहुत परेशान थे कि भाई कुछ हो नहीं रहा है उसका और इतने साल उस चीज़ को देखना यू you नो know, खाना खजाना के अलावा नथिंग एड रियली हिट द माक तो फ्राम 96 जब मैंने पहली फिल्म बनाई थी 2012 तक मतलब वो लिटरली यू नो 16 16 17 साल की जर्नी में मतलब कुछ ना होते हुए देखा है उन्होंने यू you नो know, मुझे बहुत बट दे नेवर स्टॉप सपोर्टिंग मी नेवर स्टॉप बिंग सपोर्टिव तो वो मेरी मदर खासकर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव जय को कि उन्होंने कहा तुम जय का जय का पल्लव का उनका टेंशन मत लेना वो हमारे बच्चे द रियली लुकड ये जो इक्वेशन था सफीना वो आपकी कंपेनियन थी राइट right? आपकी शादी अभी हुई है शादी तो अभी कुछ दो तीन साल पहले हुई तो मैंने मतलब सी वी वर वर मैरिड वी वी लिविंग टुगेदर हैड चिल्ड्रन शादी का इंस्टीट्यूशन मुझे हम दोनों के लिए थोड़ा सा ही था कि अगर आप साथ में हो तो मतलब कहते हमारे ग्रंथों में कहते हैं यू नो वो ये सबसे ऊंची प्रेम सगाई तो वो जो है ना कि वी आर लिविंग टुगेदर वी नेवर फेल्ट नीड टू तो गेट मैरिड कि वो शादी क्या है हम हम दोनों मतलब एक अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों से गुजर चुके थे बोथ मैरिड बिफोर तो सफ़ीना है दो बेटियां हैं आपकी एक्स वाइफ सुनीता भी थी थी हाँ तो सुनीता मेरे पेरेंट्स ने इनफैक्ट दे लुक आफ्टर नॉट ओनली मी और माई चिल्ड्रन देक आफ्टर सुनीता ऑल्सो हाँ। एंड सुनीता का रिलेशनशिप uh, मेरे साथ कभी उस तरह से ख़राब नहीं हुआ हम अलग हुए बट सुनीता के लास्ट राइट्स मैंने किए थे एज अ हजबेंड सुनीता को uh, उसे बात करता रहता था उसकी मतलब हेल्थ इश्यूज होते थे उसके अपने जो uh, कई बार परेशान होती थी तो मुझसे बात करती थी तो वी हैड मतलब वो हम कभी ये नहीं हुआ था कि दुश्मनी कभी नहीं हुई थी uh, सफीना से सुनीता बहुत बात करती थी उन दोनों का रिलेशनशिप सफीना को साड़ी पहन मतलब संजय गुप्ता के घर पे ही थी मैं पुणे में, में उसके घर पे दिवाली का कुछ था तो हम लोग जा रहे थे तो साड़ी सुनीता ने पहनाई थी सफीना को स, सफीना ने कभी जय को पल्लव को अपने बच्चों से कम नहीं समझा अपने बच्चों की तरह जय सफीना को अपनी मदर ही बोलता है स्वीट सो वो लकली एंड वो मतलब मुझे लगता है अपब्रिंगिंग का एक बहुत बड़ा हाथ है मेरे पेरेंट्स ने दे एम्बरेस्ड एवरी थिंग माई मिस्टेक्स माई सक्सेस माई फेलियर्स देब्रेस्ड एवरी थिंग एंड आई थिंक वही चीज़ हमको सफीना के फादर मतलब उन्होंने जो मतलब वो वैसे आदमी मतलब आपने कम देखे होंगे दुनिया में यूसुफ साहब कमाल के थे नो you एक्टर know, थे तो उन्होंने पचपन साल की उम्र में डिसाइड किया कि भाई वो सक्सेसफुल बिजनेस मैन सब कुछ बेच बाज के कहा कि मेरा जो सपना था एक्टर बनने का स्क्रीन पे दिखना कि वो अभी मैं परस्यू करूँगा मैंने कर लिया मेरी बेटी लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ के बाहर निकली है यू में रहती है सेटल्ड है तो मैं अभी अपनी ज़िंदगी जीऊँगा और उन्होंने बाहर निकल के अपना मतलब अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से उन्होंने जी और हमको मतलब जो उन्होंने हौसला मुझे दिया है एज अ फिल्म मेकर मतलब वो उन्होंने एक पेरेंट का आ, मतलब बहुत बड़ा यू नो कि सो मतलब यू नो आई लॉस माई फादर इन ट्वेंटी ट्वेंटी अभी गए तो उन्होंने जय का ये लुटेरे रिलीज होते हुए नहीं देखा और वो जाते वक्त मतलब हॉस्पिटल में जब मैं मिलने गया उनको हॉस्पिटल में उनके पास गया तो पास बैठा मुझे बार बार बोले जय कहाँ बोला आ रहा है वो बाहर है इज़ कमिंग नहीं जय को बुलाओ बार बार जय तो जय जब तक पहुंचा ही स्लिप टेन टू अकोमा तो वो जय को देखे भी ना चले गए और आज मतलब वो मतलब वो जय को शायद मतलब ये सबसे ज्यादा खुश माई फादर वुड बीन वेरी वेरी हैप्पी आई मीन बट वो है आई मीन यू यू नो लाइफ इज ऑल अबाउट दैट विनिंग लूजिंग डू यू फील योर पेरेंट्स अराउंड यू एट टाइम्स कभी आई थिंक दे आर देव थ्रू यू हमेशा मतलब लाइफ इज देव दे नेवर गो अवे यू नो वो रह जाता है एंड इट्स यू मिस दर यू मिस दैम यू मिस देर प्रेजेंस यू मिस दैट वॉर्म्थ यू मैं अंत तक मतलब यू नो द डे माई मम वेंट फॉर कीमोथेरेपी उसके एक दिन पहले हम लोग सब मी माई सिबलिंग्स सारे सबके बच्चे सब वी ऑल गैदर्ड टू सिट विथ हर टू स्पेंड टाइम विथ हर आई स्पेंड माई टाइम ऑन हर लैप सर उसकी गोद में रखे और मैं बहुत मतलब अंत तक आई टू ऑलवेज यू नो आई सी हर वुड पुट माई हेड इन हर लैप एंड बी विथ हर लाइक वो आई टू मेक हर मसाज माई हेड तो वो शी डिड दैट एंड हॉस्पिटल एंड मतलब हमको वी आर नॉट प्रिपेयर डॉक्टर ने कहा कीमो है पहला वो है शील बी फाइन जो औरल कैंसर है ज़्यादा फेटल नहीं है बट शी डिन सर्वाइव द कीमो एंड मतलब वन फाइन डेज गॉन सो वो मतलब वो सडननेस जो था बस ये था कि मैंने फिर आई वी वेरी कॉशियस मेरे फादर को हेल्थ इश्यूज होते थे तो मैं बहुत पैरानॉइड हो जाता था बट देन यू रियलाइज दैट यू नो एवरीबडी हैज़ टू गो नो दिस इज योर दिस मच टाइम इन योर मॉडल लाइफ बाकी आपके जरिए वो जीते हैं आपकी खुशियों में आपके कर्मों में आपके रिलेशनशिप्स में आप जो करते हो जिस तरह से आप लोगों से बर्ताव करते हो जिस तरह से आप अपब्रिंगिंग uh, देते हो उसमें वो जीते हैं यू नो वी ऑल एंड दैट इज़ आई बिलीव दैट इज़ जिसको हम बहुत ज्ञानी फिलोसॉफिकल बातें कर रहा हूँ बट द सोल जिसको हम कहते हैं इज़ इट लिव्स थ्रू वॉट यू डू वॉट दे लीव विथ यू कि वो दैट इज दैट इज़ द सोल आई बिलीव इन दैट कि उन्होंने जो मुझे दिया है जो उनसे मिला है और जो मैं उसके ज़रिए जो करता हूँ जो चीज़ें मैंने सीखी है जो मैं करता हूँ उसके ज़रिए आपके पुरखों को आप जीवन देते हो well. हाँ, well. मैं कर नहीं रहा था सिटी लाइट्स का मैं डायरेक्टर था ही नहीं mm -hmm. वो फिल्म शायद होने के बाद मुझे काम नहीं मिल रहा था काम नहीं मिल रहा था मुझे फिल्म में स्ट्रगल कर रहा था फिल्म लेकिन हो नहीं रहा था National Award जीतने National के बाद में मिला सिटी ah. लाइट्स कंप्लीट uh, होने के बाद नेशनल अवार्ड है ना नेशनल अवार्ड बहुत लेट आता है ना <laughs> एक साल बाद आता है एक डेढ़ साल बाद तो वो बहुत लेट आया था वो सिटी लाइट्स की मिक्सिंग के दौरान हमको फ़ोन आया था मुझे बार बार फ़ोन भर रहा था मिक्सिंग कर रहा था फिल्म का एंड मुझे मुकेश जी ने मतलब डेडलाइन दिया था तीन दिन में मुझे कॉपी चाहिए फिल्म की मुकेश भट्ट तो मैंने फ़ोन काट दिया था मैं बोला मैं नहीं लूँगा तो सुनील बोरा का फ़ोन आ रहा था बार बार मैं काट दिया बोला यार पता नहीं क्यों फ़ोन कर रहा है मैं इधर बिज़ी हूँ मैं मिक तो जब ब्रेक लिया हमने लंच का तब मैंने सुनील को फ़ोन किया लंच का नहीं चाय के लिए ब्रेक लिया था हमने चाय और सिगरेट के लिए <Convention> तो मैंने सुनील को फ़ोन किया बोला भाई क्या है इतने फ़ोन कर भाई आपको नेशनल अवार्ड मिले आपको पता नहीं है बोले क्या बात कर रहा है हाँ आपको नेशनल अवार्ड मिले बेस्ट डायरेक्टर बोला क्या बात कर रहा है बोला हाँ राजकुमार को बेस्ट एक्टर और मतलब इट वाज वो एक मोमेंट था जिंदगी का जो मैं कभी वो एक छोटा सा पल था ना जो Uh, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ कि एंड उसके बाद फ़ोन बचते ही गया बचते ही गया मैंने मुकेश जी को फ़ोन किया बोला हाँ हाँ मुझे भी पता है तुम आज एक दिन छुट्टी ले लो परसों से काम शुरू करो आज तुम सेलिब्रेट करो तो मैंने एक दिन एक दिन छुट्टी नहीं ली मैंने हम लोग काम कर रहे थे मैंने बोला कम्प्लीट ही कर लेता हूँ सिटी लाइट्स लेकिन एक हौसला बढ़ा सिटी लाइट्स के रिलीज़ से पहले ना बहुत हौसला बढ़ा कि आपने कुछ सही किया था और मतलब सिटी लाइट्स एक बहुत मतलब मेरे लिए वो वो सिटी लाइट्स एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बन गया था जो शाहिद से फिल्म मेकिंग का एक स्टाइल सीखा था ग्योरीला स्टाइल फिल्म मेकिंग वो सिटी लाइट्स में हमने यूज़ किया हमने एक फ़िल्म को फिल्म हालांकि अडेप्टेसन थी एक ब्रिटिश फ़िलिपिनो फिल्म मनीला की तो वो भट्स ने ऑलरेडी उसका विशेष फिल्म ने उसका उसके राइट्स लिए हुए हैं सिटी लाइट्स एक्चुअली मुकेश जी और भट्ट साहब ने और विशेष फिल्म ऑलरेडी एक्वायर किए थे उसके राइट्स मेट्रो मनीला के और वो किसी और डायरेक्टर के साथ फिल्म बना रहे थे उनके आपस में डिस्प्यूट हुए तो उन्होंने राजकुमार को साइन किया हुआ था फिल्म के लिए डिस्प्यूट हुए थे डायरेक्टर के साथ अनबन हुई डायरेक्टर ने छोड़ दिया फिल्म फिल्म को और मुझे राजकुमार ने बोला कि सर भट्ट साहब को शायद देखनी है उन्होंने देखी नहीं थी तो मैंने डीवीडी भेजी राजकुमार के साथ और एक मन में उम्मीद थी कि यार ये देखेंगे तो शायद काम मिलेगा तो भट्ट साहब ने देखी और फ़ोन किया जैसे भट्ट साहब हमेशा करते हंसल कहाँ हो यार एंड <laughs> मतलब कि आ जाओ मतलब आई एम वीपिंग आई एम वीपिंग इट इज़ इट हैज़ मूव मी तुम कल आ जाओ दोपहर को तो मैं अगले दिन दोपहर पहुंचा एंड वो जैसे पहुंचा भट्ट साहब बिंग भट्ट भट साहब बोला कि लेट्स कट टू द चेज हमारी एक फिल्म है राजकुमार हैज़ uh, बिन wanted वी वॉन्टेड टू बाकी बाकीाहिद के बारे में मैं तुमको गले अलग से मिलूँगा। तो भट्ट साहब ने कहा कि ये फिल्म करनी है तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी स्क्रिप्ट के अंदर एक थ्रिलर का एलिमेंट था मुझे उन्होंने कहा कि तुम ओरिजिनल फिल्म देख लो मैंने देखी नहीं मैं तो ओरिजिनल फिल्म देखूँगा तो आई विल बी कलर्ड by द फिल्म स्टाइल बाय द फिल्म ट्रीटमेंट बाय द इमोशनल जर्नी मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ रितेश शाह की स्क्रिप्ट थी मैंने मैं कहा मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ स्क्रिप्ट को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करूँगा तो मैंने आज तक मेट्रो मनीला देखी ही नहीं है आई रेड द स्क्रिप्ट वो शायद बहुत फेथफुल एडेप्टन था लेकिन उसमें थ्रिलर एलिमेंट ज़्यादा था मुझे इमोशनली फिल्म पेपर पे उतनी मूव नहीं कर रही थी लेकिन उसके सरफेस के नीचे द इमोशनल फिल्म समवेयर एंड मुझे लग रहा है उस फिल्म का सक्सेस जो है वो उस इमोशनल जर्नी से जुड़ा हुआ है कि जो इमोशनल कोर उस फिल्म में मतलब एक निचोड़ के निकाला है ना एक हस्बैंड वाइफ का जो एक फैमिली का जो सर्वाइवल ड्रामा जो कहते ऑलमोस्ट दो बीघा ज़मीन वाला जो एक स्पिरिट था ना वो इस फिल्म में मुझे दिखा कि हमने क्योंकि हम ट्रेजेडीज़ बनाना बंद कर दिया था हमने हम कॉमेडीज़ बना रहे थे हम थ्रिलर्स बनाते थे एक जॉनर है जो मतलब हम बॉलीवुड हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री मतलब कमाल की ट्रेजेडीज बनाती थी तो ट्रेजेडीज बना हम डर गए थे कि ट्रेजेडीज कोई देखता नहीं है ये आई वॉन्टेड टू मेक अ ग्रेट ट्रेजेडी एंड द फिल्म ऑलमोस्ट बिकेम अ ग्रेट ट्रेजेडी इट वॉज आई थिंक इट फेल शॉर्ट इन सम ऑफ द थिंग्स यू नो वेन यू लोकेट एड ऑब्जेक्टिवली कुछ चीज़ों में इट फेल शॉर्ट बट लाइक वॉट आई फेल्ट द थ्रिलर एलिमेंट कुड हैव बीन ट्रीटेड बेटर उसको मतलब उस इमोशनल जर्नी के साथ ज़्यादा अच्छे से बाइंड कर सकता था मैं वो नहीं कर पाया मैं वो मैं समेट नहीं पाया उसको अच्छे से uh, तो वो फिल्म का एक फ्लॉ है एक वीकनेस है उस फिल्म का बट उसका इमोशनल ग्राफ जो है इस फिल्म का इज सो पावरफुल इट्स वेरी अंडर रेटेड मतलब राजकुमार का शायद सबसे अंडर रेटेड परफॉर्मेंस है इट इज़ वन ऑफ इज बेस्ट परफॉर्मेंसेज टू डेट इतना कमाल का वो, इतना जेन्यून इतना ऑनेस्ट है तो वो जितने फ्लॉज है फिल्म के वो राजकुमार का परफॉर्मेंस कवर कर देती है अलीगढ़ बहुत बैकलैश आपने उसमें फेस किया एक्चुअली नहीं 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 अलीगढ़ में बैकलैश इतना हुआ है अलीगढ़ में एक ही बैकलैश था कि अलीगढ़ में फिल्म बैन हो गई थी लेकिन <laughs> बनाने से पहले हम लोग को रिसर्च के लिए ये कहानी हुई थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो रिसर्च के लिए एम जाना था जो हम कर नहीं पाए मतलब जय को मैंने रेकी के लिए भेजा था कि भाई वहाँ जाके देख लो वहाँ हम शूटिंग कर पाएंगे या नहीं तो जय का फ़ोन आया मुझे रात को कि भाई मुझे कॉल आया है धमकी किसी ने दी है कि भाई तुम आओगे तो टांगे तोड़ देंगे मैं क्या करूं? मैं बोला मत जाना मैं आ रहा हूँ हम देखते हैं क्या कर सकते तो हम एमयू एम जा नहीं पाए तो हमने फिल्म बरेली में शूट की लेकिन बाकी फिल्म में यू नो थे मतलब हर फिल्म में अपने आ, स्ट्रगल्स होते हैं प्रॉब्लम्स होते हैं लेकिन वो Uh, मैं ना उनको रोमांटिसाइज़ ज़्यादा नहीं करता हूँ स्ट्रगल्स को रोमांटिसाइज करना ना एक सेल्फ डिफीटिंग होता है तो आई थिंक वो हर फिल्म का हर एक होता है एक जर्नी होती है जर्नी का हिस्सा होते हैं, बट वो फिल्म बहुत स्पेशल है मतलब अपूर्वा की पहली फिल्म एज अ राइटर फुल फ्लेजेड राइटिंग जो स्क्रिप्ट है एक लड़की ईशानी बैनर्जी जो मतलब जिसने फिल्म की कहानी मुझे भेजी थी मेरे ई मेल पर मैं जानता नहीं था उसको शी वॉज डूइंग वो पी आर कंपनी में काम करती थी कॉरपोरेट पी आर में दिल्ली में hmm. उसने मुझे भेजा था कि ये कहानी है शायद आप मैंने शायद देखी है शायद ये कहानी आपको करनी चाहिए दैट वॉज द मोटिव बिहाइंड इट एंड मैंने ईशानी को सवेरे जब मुझे मैंने ई मेल देखा मैंने ईशानी को फ़ोन किया कि भाई तुम कैन यू कम टू बॉम्बे वो काफ़ी हिल गई थी कि क्यों बोला नहीं नहीं प्लीज़ कम पहले तो उसको लगा कोई प्रैंक कर रहा है कि मैंने फ़ोन कर दिया था बॉम्बे आई उसको एज अ राइटर साइन किया हमने मैंने अपूर्वा को हम लोग तभी सिटी लाइट्स का एडिट चल रहा था हमारा अपूर्वा एडिट कर रहा था मैंने कहा आई यू टू राइट दिस फिल्म अपूर्वा और ईशानी को हमने साइन किया एंड मतलब वो जो जर्नी थी अगेन अगेन इट्स इट वॉज़ अ वेरी ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल जर्नी सिटी लाइट्स आई मीन अलीगढ़ अलीगढ़ वॉज़ अ वेरी स्परिचुअल जर्नी वो जो मनोज ने जो उस फिल्म में जो किया है जो उस फिल्म में हमने एक्सपीरियंस किया था एक्सपीरियंसिंग दैट परफॉर्मेंस दैट वर्ल्ड यू नो टू ग्रेट एक्टर्स मतलब मनोज एंड राजकुमार यू नो फीडिंग ऑफ इच अदर आई थिंक वो मतलब बहुत स्पेशल था बहुत स्पेशल इट वॉज़ वेरी पर्सनल मेडिटेटिव इट बिकेम द फिल्म बिकेम मेडिटेटिव हमने इंटेंशन ये नहीं था कि ऐसी मेडिटेटिव फिल्म बनेगी बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी लेकिन वो जब आप शूट पे जाते हो ना फिल्म एक अलग नया जन्म लेती है तो उस मेडिटेटिव नेचर ने उधर शूट पर जन्म लिया मनोज की परफॉर्मेंस से कि जब हमने आ, कैसेट प्लेयर ऑन किया और उसमें मैंने गाना और वो भी इम लगाया था कि आपकी नज़रों ने समझा अनपढ़ का गाना लता जी की आवाज़ में वो जब गाना सुना मतलब सब मनोज और कैमरा छोड़ दिया था हमने मनोज पे था कि जितना करेगा उतना फिर काट देंगे साढ़े छः मिनट का गाना था तीन तीन अंतरे थे गाने में एंड मनोज करते गया परफॉर्म और हम शूट करते गए वो मैजिकल मोमेंट था वो मेरी फिल्म मेकर वो मेरी जिंदगी का हाई पॉइंट है मेरी सिनेमैटिक इट्स अ सिनेमैटिक मोमेंट इन माय लाइफ एंड वो मतलब वो मनोज हम सब खो गए थे उस मोमेंट में खो गए थे एंड मैं मानता हूँ मतलब मनोज इतना एकम्प्लिश्ड इतना बड़ा एक्टर है यू you नो know, आज शायद वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैव इन अ कंट्री टुडे लेकिन मैं मतलब आई बिलीव कि उसके टॉप थ्री परफॉर्मेंसेज में शायद ये नंबर वन है मेरे लिए अलीगढ़ जो जो हो गया था उसमें जो किया था मनोज ने कि वो मैजिक था तो झगड़ा हुआ था आपके और मनोज के बीच में वो कैसे तो हो गया अल्लाह कैसा हो गया वो संजय संजय दस कहानियाँ कर रहा था तो बिकॉज मैं संजय की कंपनी में काम कर रहा था तो मुझे आर्टिस्ट और सबसे इंटरेक्ट करना ही पड़ रहा था और दस कहानियाँ की एक स्टोरी में मनोज था तो मुझे उसके साथ उसको मुझे मेरे साथ और मुझे उसके साथ इंटरेक्ट करना ही पड़ा इंटरेक्ट किया मैं शूटिंग पे गया था उसकी और शाम को हम लोग पैकअप के बाद हम लोग कहीं पर डिनर करने गए हम सब पूरी यूनिट को लेकर संजय लेकर गया संजय इज़ अ वेरी जनरस होस्ट वेरी जनरस होस्ट मतलब ही लव्स फीडिंग पीपल लव्स ट्रीटिंग पीपल टू गुड फूड एंड बूज तो हमको लेकर गया एंड वहाँ मनोज और मैं बात करने लगे थोड़ा वी हैड अ फ्यू ड्रिंक्स एंड वी स्टार्टेड लाफिंग इट वॉज एज इफ कुछ हुआ ही नहीं था झगड़ा we we क्यों किया था एंड आज भी हम लोग हंसते हैं उस बात पर हम लोग बहुत हंसते हैं बट हो गया था वो झगड़ा था वीवर बेरली ट्वेंटी जो है दो हज़ार सोलह डाटा ब्लास्ट को अपने प्रॉफिट के लिए यूज किया फराज में आई यू अवेयर ऑफ देट लोगों को लगाइए प्रॉफिट कोई दिखा दें मुझे उसमें कोई प्रॉफिट दिखा दे मतलब मैंने आज तक मुझे उस कहानी में एक मदर एंड सन की कहानी दिखी थी इट वॉज़ अ मूविंग स्टोरी मैं ढाका गया था मैं फराज़ की मदर से मिला था वहाँ के कुछ सर्वाइवर्स से मिला था एंड आई फेल्ट कि इस कहानी को कहना ज़रूरी है क्योंकि तो वो कहानी सिर्फ ढाका की नहीं है वो इस हमारे ज़माने की इस वक्त की कहानी है स्टोरी अबाउट यूथ तो मैं अपने यूथ को समझने का प्रयास कर रहा था उस फिल्म के जरिए मतलब आप जो लड़के जो टेररिस्ट थे और जो लोग मारे गए उनके उनके धर्म को आप बदल दो फिर भी कहानी वही रहेगी कि सच्चाई नोबिलिटी एक माँ और बेटे का प्यार सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स ये सारी चीज़ें धर्म से ना जुड़ी हुई है ना किसी देश से जुड़ी हुई है इट्स यूनिवर्सल इशू इसलिए मैंने फिल्म को हिंदी में बनाया मुझे कई लोगों ने कहा कि भाई तुमने फिल्म को हिंदी में क्यों बनाया तुम्हारी का समबड़ी सेड कि इट इज़ नॉट योर स्टोरी टू टेल स्टोरीज बिलोंग टू नो बडी यू नो स्टोरीज दैट टेकन प्लेस बिलोंग टू वर्ल्ड दे शुड बी शेयर्ड विद द वर्ल्ड एंड मतलब फराज एक ऐसी फिल्म है जिसको लेकर मुझ में आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फिल्म मतलब स्कैम 1992 जो एक रन अवे सक्सेस था उसके बाद आई चोज टू मेक फराज बिकॉज आई बिलीव आई फेल्ट वेरी स्ट्रांगली अबाउट द फिल्म इट वॉज एंड मतलब नए नए लड़कों के साथ यू नो मेड विथ ऑल न्यू कमर्स इन अ डिफिकल्ट टाइम इट वॉज मेड ड्यूरिंग कोविड हमने बबल में शूट की थी फिल्म एंड एक बहुत कम बजट में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था फराज यू नो एंड वो मतलब मेरी फिल्मोग्राफी में मेरी बहुत ही इट रिमेन वन ऑफ माय बेस्ट क्राफ्टेड फिल्म वेरी वेल क्राफ्टेड फिल्म फराज और ओमेर्टा ये दो फिल्में उनकी क्राफ्टिंग बहुत अच्छी थी यू you नो know, जो जिस तरह से क्राफ्ट किया था राइट फ्राम इट्स फ्रॉम द वे दे आर शॉर्ट फ्रॉम द वे वर एडिटेड वे द साउंड डिज़ाइन वॉज डन की वो सारी जो वो सारे जो एलिमेंट्स हैं ना फिल्म मेकिंग के सिनेमा की वो दे ऑल केम टुगेदर एंड ऑल्सो आई टुक रिस्क इन द स्टोरी टेलिंग जो फराज में बहुत आसान था कि मैं कैरेक्टर्स के लिए बैक स्टोरीज देकर आपको सिंपथाइज आपको एक तरीके से फील कराऊँ लेकिन मैं नहीं किया वो आप देखिए और इस रात की कहानी से आप उनको जानिए इस इमोशन को भी आप उस रात की कहानी से यू नो फ़र्ज करो कि आज कुछ हुआ है एक बड़ा हादसा हुआ है और आप उस हादसे का हिस्सा हो एंड आप उसमें अनजान लोगों के साथ बैठे हो और आप उनको जान रहे हो तो ये कोशिश थी कि उन लोगों को उस रात में मैं कैसे जानूँ तो इट वॉज अट व टफ चॉइस टू मेक ईजी वे आउट वॉज क्या मैं लंबी बैक स्टोरीज़ बोल देता तीन चार सीन में मतलब उनकी कहानियाँ बता देता मैंने आई डिड नॉट चूज़ द ईजी वे टू टेल द स्टोरी एंड आई थिंक इट वॉज़ वेरी मूविंग वेरी मूविंग फिल्म आपके और कंगना के बीच में क्या हुआ था सिमरन के दौरान कुछ नहीं हुआ था uh, मेरे ख्याल से हम दोनों एक अलग फिल्म बनाना चाहते थे वो एक तरीके की फिल्म बनाना चाहती थी और मैं एक दूसरी स्क्रिप्ट लेकर गया था जो मुझे बनानी थी लेकिन वो कहीं ना कहीं आई गेव इन टू द आइडिया ऑफ वॉट द स्टार वॉन्टेड टू मेक एंड मै आई गेव आई गेव इन मतलब उसमें ज़्यादातर अगर मैं मैं मानता हूँ कि अगर फिल्म अच्छी है तो जितने लोगों ने बनाई है ना उनकी तारीफ करी है और अगर फिल्म आपको अच्छी नहीं लगी आप मुझे कहिए उसका जिम्मे उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से मैं लेता हूँ तो मतलब क्या हुआ मेरे और कंगना के भी? ऐसा कुछ हुआ नहीं था मतलब वो एक्सपीरियंस शायद मेरे लिए इतना ज़्यादा जो एक फुलफ़िलिंग एक्सपीरियंस होता है आपकी एक फिल्म बनाने का वो शायद इतना फुलफ़िलिंग नहीं था माहौल सेट पर थोड़ा सा एंक्शियस होता था आई वो वेरी दोनों का अप्रोच अलग अलग था अप्रोच इसने. अलग था एक अलग फिल्म देख रहे थे हम एंड ठीक है मतलब वो भी एक एक्सपीरियंस था मतलब मुझे उस फिल्म में उस फिल्म के दौरान जो हुआ वो फिर भी हमने कर लिया एक एक्सपीरियंस था हमने किया मतलब वो फिल्म में ऐसा नहीं था कि रोज़ मतलब एंक्शियस थे और लड़ाई होती थी ऐसा कुछ नहीं था मतलब कंगना और मेरी पट्टी भी बहुत अच्छी थी वी रियली गॉट लॉन्ग शी इज़ वेरी लवली एंड मतलब मैं इस चीज़ को मतलब हमेशा दोहराता हूँ कि बहुत अच्छी एक्टर है वो कमाल की एक्टर yeah, मतलब वन वन ऑफ ऑफ द द बेस्ट वी हैव बेस्ट एक्टर्स वी हैव एंड इट्स अ प्रिविलेज टू बी ऑन सेट वॉचिंग हर एट वर्क मैं उस बात को कभी नहीं आई विल नॉट डिनाई दैट बट इट वॉज नॉट द फिल्म दैट इधर ऑफ अस सेट आउट टू मेक फिल्म की रिलीज से पहले जो चीजें हुई जिसकी वजह से बहुत सारे रिश्ते टूटे आई रिग्रेट दैट जो मेरा अपूर्वा के साथ झगड़ा हुआ हम दोनों की दोस्ती में दरार आया एक लॉन्ग टाइम कोलेबरेटर हमारा मेरा हम लोग मतलब एक दूसरे को के बीच मतलब बहुत बुरी तरीके से दरा रहा है। और वो इट बिकेम वेरी पब्लिक इट बिकेम वेरी अगली द एंटायर थिंग यू नो एंड मैं उस वक्त अगेन यू नो वो एक फीलिंग आ रही थी जो दिल पे पर मतलेर के टाइम हुआ था मुझे लगा कि मैं मेरी आवाज़ मैं आई फील आई फेल्ट चोक्ट आई फेल्ट लाइक मैं ठीक uh, से इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं मानता हूँ कि मैंने वो जो एक क्राइसिस था उस वक्त जो हुआ था उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाया मैं प्रेशर्स थे मेरे ऊपर बहुत सारे फाइनेंशियल प्रेशर्स बहुत थे उस फिल्म में मैंने बहुत पैसे गंवाए एंड न चाहते हुए अपूर्वा के बारे में जब आप बात करते हो अभी आई कैन फील दफकोर्स एंड देट ऑलवेज बी देर क्या देखिए आप अब आप, आप, गलत मत समझिए मुझे आई हैव द सेम वॉम्थ लॉट ऑफ वॉम्थ फॉर इवन तंगना कि I'm अगर shocked. मिलती है तो मैं गले मिलूंगा उसे यू you नो know, हम डिसग्री कर सकते हैं लेकिन एक आर्टिस्ट को मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता हूँ मैं कई आर्टिस्ट से मेरे डिसग्रीमेंट है लेकिन उसको एज एन आर्टिस्ट में थोड़ी डिसरिस्पेक्ट कर सकता हूँ क्या आपने उसके बाद अपूर्वक को फ़ोन किया नहीं उसके बाद हम लोग मिले कई साल सालों के बाद हम मिले हमारी बातचीत हुई तब तक ही एड मूव ऑन आई हैड मूव ऑन हम सब ओन हुए हम मिले अभी भी हम मतलब बीच बीच में हमारी बातचीत होती है एंड मतलब वो हमेशा स्पेशल रहेगा हीरो वो मेरा रिश्ता उसके साथ अपूर्व कंगना के साथ भी आपकी बात हुई नहीं बहुत बहुत वक्त हो गया बात नहीं हुई है बात हमने शायद मेरे ख्याल से उस फिल्म के रिलीज़ के बाद शायद एक दो बार मैं कंगना से मिला होगा मैंने ज़्यादा ना कोशिश की ना ही हम मिले डीप डाउन कभी आप मिलना चाहोगे उनसे और बोलना चाहोगे यू नो वॉट आई लव यू एज एन आर्टिस्ट नहीं ये तो मैंने कई बार कहा है उनसे डायरेक्टली नहीं वो अब कहने की जरूरत नहीं अब मैं कहता हूँ जब पब्लिकली कहता हूँ कि या एज एन आर्टिस्ट आई रियली हैव इमेंस रिस्पेक्ट एंड आई विश एज एन आर्टिस्ट शी इज एक्सप्लोर्ड बियॉन्ड वॉट डन सो फार यू नो हम कि आर्टिस्ट कब मतलब लिमिट हो जाता है जब वो अपने पास्ट में जीता है इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने पास्ट में ना जीऊँ कि आगे बढ़ूँ कि आप आगे की जर्नी देखिए कि मैं हर रोज़ मेरे लिए एक नया दिन है नई शुरुआत है कि वो नई शुरुआत के साथ आप जब, जब जब जीते हो अपने आप को री करते हो ना तब एक आर्टिस्ट आपका जो है वो फलता है वो आर्टिस्ट यू नो इट ब्लॉसम्स लाइक अ फ्लावर तो वो बहुत ज़रूरी है आर्टिस्ट की ज़िंदगी मैं मैं उम्मीद करता हूँ कि कंगना अपने आप को एज आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करे एन हर एक आर्टिस्ट में मैं सोचता हूँ कि आर्टिस्ट को अपने आप को चैलेंज ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए एनी रिग्रेट्स बिकॉज तो ओनली रिग्रेट इज दैट यू नो आई लॉस ऑफ मनी एंड वो लॉस सिर्फ मेरा था मतलब मैंने लेकिन मैंने कमा के पैसे वापस किए कमा कमा के मैंने बोरो किए आई बोरोड एट समिकुलस रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ये लोग जानते नहीं सब, ये सब यू नो जब लोग आज देखते हैं वो जानते नहीं हैं कि मैंने ऑलमोस्ट पाँच से छः साल काम करके सिर्फ पैसे वापस किए मेरे पास बम्बई में आज भी घर नहीं है मैं रेंटेड घर पे रहता हूँ लेकिन वो ठीक है मतलब मुझे उसका कोई वो नहीं है ना रिग्रेट है ना मैं उस चीज़ को लेकर अपने आप को को नॉट डू आई हैव एनी सेल्फ सिम्पति अरे भाई देखो मेरे पास घर भी नहीं है नहीं कोई बात नहीं मैं खुश हूँ जहाँ हूँ मैं जैसा हूँ खुश हूँ क्योंकि मैं वो कर पा रहा हूँ जो मुझे करना हमेशा करना है जो करना था कि मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझे करना है मुझे अच्छा लगता है वो काम मैं अपने काम से अपनी ज़िंदगी से अपने बच्चों की खुशी में खुश हूँ लॉकडाउन में द गेम चेंज्ड इवन मोर आई नो यू हेट दिस टर्मोनोलॉजी मतलब मैं बोल देता हूं बट फॉरगिव मी बट किंग ऑफ ओटीटी आ गया द मैन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन ओटीटी बहुत बड़ा नाम होगा आपका आई नॉट सेइंग ऑन द बिग स्क्रीन उसमें तो होगा ही बट इन दिस स्पेशली प्रति गांधी गगनदेव स्कूप में करिश्मा आपने ऐसे ऐसे लोगों को वापस री करवाया एंड मेड देम हाउस होल्ड नेम्स ऑब्वियसली दे डिजर्व इट वो कैसे हुआ आई डोंट नो मतलब सी आई हैव एम्ब्रेस्ड द लॉन्ग फॉर्म ओ टी बेसिकली फॉर मी मीन्स लॉन्ग फॉर्म स्टोरी टेलिंग एक एक कहानी होती है जो फीचर फिल्म में आप दो ढाई घंटे में कहते हो ओ में आप पाँच छः सात घंटे में आप उसी कहानी को बहुत ही सवार के कहते हो एंड मैं इस स्टोरी टेलिंग का बहुत पुराना फ़ैन था तो बहुत कुछ मतलब मेरी फिल्म मेकिंग में मेरा जो ग्रोथ एज अ फिल्म मेकर हैज़ बीन बिकॉज ऑफ वाचिंग शोज़ द वायर करके एच का एच के शोज़ मैंने बहुत मैं देखता था और उनसे सीखा बहुत है मैंने hmm. तो द वायर है बैंड ऑफ ब्रदर्स है फिर ब्रेकिंग uh, बैड uh, मैडम तो ये इनिशियल जो ईयर्स थे 2008, थाउजेंड एट आई डिस्कवर द वायर इन टू ये सारे शोज़ को मैंने ना मैं देखता था और बोलता था यार हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है कुछ हम ऐसी कहानियाँ कहते नहीं हैं हाउस ऑफ कार्ड्स आया नेटफ्लिक्स पर तो मैंने देखा मैंने बोला यार मतलब ये कैसी देखो ये लोग ये कहानियाँ कितनी कितने बढ़िया कहते हैं कैरेक्टर्स कितने कमाल है और देखो उनके एक्टर्स मतलब इस छोटे स्क्रीन पर मतलब कितना ब्लॉसम कर रहे हैं रॉबिन राइट केविन स्पेसी आप मतलब बड़े बड़े स्टार्स के साथ आप अच्छी अच्छी कहानियाँ कहते हैं तो वो आई वॉज ऑलवेज इंस्पायर्ड बाई दैट मीडियम मुझे एक्सप्लोर करना था और वो मतलब मुझे समीर नायर ने मतलब मैं मानता हूँ कि मैं मुझे इस मीडियम में लेकर आ आने वाला जो आदमी है जो मेरा इस मीडियम में एक तरीके से गॉडफादर है वो सभी समीर नायर समी है यू नो जस्ट आफ्टर द मतलब सिमरन के फेलियर uh, से मैं बहुत मैं आई वॉज़ रीलिंग फ्रॉम दैट फाइनेंशियल ईशूज मैं बहुत तकलीफ से गुजर रहा था उस वक्त मतलब मुझे समीर नायर ने uh, मेरी मीटिंग मेरे एजेंट ने मेरी मीटिंग करवाई सब सम, के समीर ने कंपनी शुरू की अप्लॉज करके एंड यू नो दे आर मेकिंग दी शोज तो तुम्हें मीटिंग करते लेट्स एक्सप्लोर वॉट वी कैन डू मैं गया एंड समीर ने मुझे तीन चार आइडियाज़ दिए और उसमें एक ताकि हर्षद मेहता की स्टोरी है सुचिता दलाल की किताब थी एंड मैंने बोला बाकी सब भूल जाओ मुझे ये करनी है एंड दैट वाज द टाइम मीन आई फाउंड की ये अपॉर्चुनिटी है मुझे ये कहानी कहने को मिल रहा है एंड मतलब दैट टू इन द लॉन्ग फॉर्म कि दस एपिसोड में मैं इसको कह सकूँगा वो मेरे लिए इट वॉज़ अ फ्रेश लीज़ ऑफ लाइफ एंड मतलब उसमें इतना फ्रीडम दिया था समीर ने कि तुम राइटर्स तो राइटर्स रूम बनाने में फ़्रीडम दिया तो मैंने अच्छे राइटर्स के साथ सुमित पुरोहित सौरभ डे करण व्यास इनके साथ मैंने लिखना शुरू किया वैभव विशाल हम सब मतलब मिल के भी टुक मतलब बहुत वक्त लगा उसको लिखने में हमने करीब ढाई साल लगाए उसकी राइटिंग में उस दौरान मैंने छलांग करके फिल्म भी बना दी बट हम लिखते गए लिखते गए एंड आई न्यू लिखते टाइम मुझे लगा कि कुछ स्पेशल लिखा है हमने कुछ अच्छा लिखा है अच्छा लिखते वक्त ही बातचीत होती थी कास्टिंग का क्या करें hmm. मुकेश से मैं मिला था मुकेश ने मुझे कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए कि देखो गुजराती एक्टर्स ये सब है मैंने उधर ही उसको कहा कि यार एक मिनट रुक जाए ये प्रतीक गांधी कौन है उसको बोले रॉन्ग साइड राजू वाला बोला हाँ य ये ये सही है तो मैं प्रतीक का फोटोग्राफ लेकर गया था एप्लॉज में बोला यहाँ ही इज़ वेरी गुड ऑडिशन किया है बोला करने वाला है मुकेश वो भेज देगा तो ऑडिशन किया ऑडिशन भेज दिया एप्लॉज को मैंने देखा ही नहीं ऑडिशन मुझे था कि ये प्रतीक ही हो जाए एंड एप्लॉज ने मतलब समीर ने या उसकी टीम ने एक भी बार दूसरा नाम भी नहीं दिया बोले यस वी एग्री वो जो फेथ था ना उसकी वजह से आज मतलब मैं उसमें ऑफकोर्स कैटलिस्ट था लेकिन वो जो जब आप कोई सिस्टम एक यूनिवर्स जब आपको ट्रस्ट करता है ना तब जाके ये सब चीज़ें होती है एंड आई बिलीव इन दैट कि आई थिंक इट्स द यूनिवर्स कंस्पायरिंग टू सी यू सक्सेसफुल स्कैम में भी जो 2003 था अगेन आपने एक अलग ही फेस को कास्ट किया यू डेन स्टिक टू फॉर्मूला एट ऑल वो कहाँ से आया वो अब अगेन यू नो वी न्यू के वी वॉन्टेड न्यू फेस मैंने गगन को I had, मैंने सुटेबल बॉय करके शो था उसमें देखा था गगन को हमने कास्ट किया था स्कैम नाइनटीन नाइन्टी टू में सीतारामन के रोल में जो जैमिनी पाठक ने किया तो गगन उसमें कास्ट था लेकिन लास्ट मोमेंट पे ही हैव टू लीव फॉर सुटेबल बॉय की शूट तो उसको रिप्लेस करना पड़ा हमें जैमिनी के साथ जैमिनी ने ऑफकोर्स जो किया रेस्ट इज हिस्ट्री इज यू इज फैंटेस्टिक तो गगन हमेशा एंड फिर मैं सूटेबल बॉय देखा सोनचेरिया में उसको देखा था मुझे पता था थिएटर में मतलब यू नो पीपल हैड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गगन बहुत अच्छा काम करता है तो मैंने सूटेबल बॉय देखा मैंने तभी मुकेश शर्मा को बोला तेलगी पे हम लोग काम कर रहे हैं ये तेलगी है सो तो तब तक वी हैड ऑल्सो टेस्टेड ब्लड वी हैड ऑलरेडी सक्सीडेड विथ आर चॉइस सो आई टुक गगन का ऑडिशन किया था हमने मुकेश उसने दो तीन ऑडिशन किए थे गगन के गगन का ऑडिशन लेकर आई वेंट टू अपलॉज अगेन दिस दिस गाई इज एंड गगन वॉज कास्ट आई मीन इट वॉज अगेन यूनाइमस चॉइस था एंड मतलब वॉट एन एक्टर वॉट एन एक्टर मतलब मैं मानता हूँ कि बहुत जो सक्सेस है सीजन टू का स्कैम का जो मैंने डायरेक्ट नहीं किया जो तुषार हिरंदा ने किया उसमें गगन का बहुत बड़ा हाथ है उसकी परफॉर्मेंस का स्कूप में एक परसेप्शन था टेलीविजन लड़की करिश्मा तन्ना ब्यूटिफुल लॉन्ग लेग्ड यू नो गॉज ग्लैमरस गर्ल और क्या अवतार में आपने उनको पेश किया मैं मानता हूं कि मतलब मेरे जितने कास्टिंग डिसीजन है ना राजकुमार राव मनोज इन अलीगढ़ और प्रतीक गांधी गगन देव उसमें सबसे रिस्की चॉइस जो था वो उस करिश्मा तन्ना इन स्कूप क्योंकि एक माइंडसेट होता है सी ये सारे थिएटर से आए थे ट्रेंड hmm. एक्टर्स से लेकिन करिश्मा टीवी से आई थी एंड टीवी इज ऑफन सीन एज अ बैड वर्ड इन यू नो वो थोड़ा सा पीपल लुक डाउन अपॉन टीवी लुक डाउन डाउन अपन एक्टर्स हो कम फ्राम टी वी वेरी ऑफन सम पीपल एव डिसूविड जैसे साक्षी तन्वर ने बहुत सक्सेसफुल इस चीज़ को इस नोशन को रोनित रॉय ने इन लोगों ने सक्सेसफुली डिस्प्रूव किया लेकिन एक जनरल टेंडेंसी है स्पेशली इफ़ येरी ग्लैमरस एंड यू आर इन द पब्लिक आई यू नो इंस्टाग्राम पोस्ट आपके मतलब इतने ग्लैमरस होते हैं आपके कोलेब्रेशन इतने मतलब भलते भलते प्रोडक्ट्स के साथ आप भलती भलती चीज़ें करते हो टू मेक अ लिविंग तो लोग एक इमेज लेकर आपके साथ पीपल गेट टाइट डाउन बाय योर इमेज लेकिन करिश्मा आई मीन जी उसने हमने बहुत सारी लड़कियों को बहुत सारी एक्टर्स को एक्ट्रेसेज को हमने ऑडिशन किया था फॉर स्कूप नियरली थर्टी थर्टी फाइव एक्टर्स उसमें से बीस बहुत अच्छे ऑडिशन थे कमाल के ऑडिशन थे उसमें एक ऑडिशन करिश्मा का था मैं बार बार घूम के करिश्मा का ऑडिशन देखता था एंड दे वॉज समथिंग आई सेट किया दे समथिंग अबाउट दिस गर्ल दैट आई रियली थिंक शीज़ शी होल्ड योर अटेंशन ऑन स्क्रीन इसको मौका नहीं मिला है करेक्ट एंड मुझे बहुत ऑपोजिशन था मेरी अपनी टीम में कि नहीं नहीं मतलब यार टी वी से है बिग बॉस किया है ये वो बहुत सारी चीज़ें मैंने और मैंने उसका कोई काम नहीं दिखा था बट ऑडिशन मुझे आई फेल्ट शी वॉज अ राइट पर्सन जस्ट इट वॉज अ इंस्टिंग्ट अगेन उसका ऑडिशन नेटफ्लिक्स को भेजा एंड नेटफ्लिक्स एग्री टू इट मतलब जो सी अगेन अगर नेटफ्लिक्स नहीं मानता तो मैं किसी और को कास्ट करता क्योंकि फाइनली ये मेरा प्रोफेशन है आई हैव टू द शो हैज टू गो ऑन आई विल कास्ट समबडी एल्स तो वो बट दे एग्रीड टू माई चॉइस एंड आई मीन रेस्ट अगेन करिश्मा हैज़ वन एवरी एवॉर्ड पॉसिबल मतलब यू you नो know, आज भी वो uh, स्कूप के बारे में बात करती है शीज शी ब्रेक्स डाउन यू नो शी मेरे शो पे भी यहीं पे आई थी इसी स्टूडियो हाँ, में हाँ बहुत इमोशनल हो गई थी वो वेरी इमोशनल यू नो द शो टैप समथिंग वेरी वलरेबल विद इन द स्क्रिप्ट द कैरेक्टर एंड जो भी हमने किया सेट पे जो माहौल था उसमें भी टैप्ड इन टू थ्री वेरी थिंग्स दैट आर यू नो जो दुनिया में उसकी ग्लैमर में दिखते नहीं है दैट शी इज अ वेरी एवरी डे गुजराती गर्ल रेगुलर गुजराती लड़की है दैट शी हैज़ अर ओन पेन शी हैज अर ओन स्ट्रगल्स कि वो सारी चीज़ें हर ओन पर्सनल लाइफ वो जो चीज़ें हर पास्ट, ऑल दोज थिंग्स शो टैप्ड इन टू दैट वल्नरेबिलिटी एंड वो शी ब्रॉट इट आउट यू नो शी इज शी माइट नॉट बी वेरी ट्रेंड और शी माइट नॉट अ बैकग्राउंड इन थिएटर बट दैट डज नॉट मेक एनीबडी अ लेसर एक्टर उसने जो काम किया है जिस जो मेहनत की है उस कैरेक्टर के लिए वही बनी थी एंड मतलब उसमें नेटफ्लिक्स ने एक दो मेरे कास्टिंग चॉइसेस इनिशियली रिजेक्ट किए थे समबड़ी एल्स आई वॉन्टेड टू कास्ट इन जीशान रोल हमने इनिशियल जो चॉइस दिया था वो कुछ और एक एक्सपेरिमेंट था uh, हमने तो so नेटफ्लिक्स ने मना कर दिया बोला नहीं वी डोंट लाइक द चॉइस फाइनली जीशान हुआ एंड यस द रिज़ल्ट वॉज मैजिक अगेन कि ऋशान को उस तरह का रोल मिला नो किान एज एक्टर कई बार मिस यूज़ हुआ है इतना अच्छा एक्टर है लेकिन यू you नो know, अच्छे एक्टर्स कई बार हमारी फिल्मों में मिसयूज़ हो जाते हैं वो हीरो के दोस्त बन जाते हैं वो हीरो के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं एंड वो मतलब काफ़ी इमोशनल सीन्स का हैवी लिफ्टिंग करते हैं लेकिन दे रिमेन सपोर्टिंग द मेन द हिरोज जर्नी तो यहाँ जीशान हैड इज़ ओन कैरेक्टर इज़ ओन आर्क एंड जीशान ने जो काम किया है मतलब कितने जो लोग मीडिया में हैं ख़ास कर दे कि काश हमारा ऐसा एडिटर होता तो जीशान बिकेम सो मच लव्ड हरमन बवेजा के कैरेक्टर के लिए बहुत सारे दूसरे नाम थे कुछ वेल नोन एक्टर्स को कास्ट किया मतलब हमने अप्रोच किया था तो वो रोल का लेंथ देखकर घबरा गए कि नहीं इतना ही लेंथ है ये है वो है मतलब भाई स्कैम में रजत कपूर ने जो इम्पैक्ट छोड़ा था ना वो उस, उस रजत कपूर ने मुश्किल से पाँच सात दिन शूटिंग किया था हमारे साथ इनफैक्ट मुझे हरमन की कास्टिंग सबसे अलग लगी आई एम हिम और हरमन कमाल है कि हरमन की कास्टिंग कैसे हुई कि हम वो स्ट्रगल कर रहे थे कि किसको कास्ट करें वी आर नॉट हैप्पी विथ वॉट व्यूअर विद द चॉइस वी आर कमिंग अप विद तो हरमन मेरे साथ एक फिल्म बना रहा था तभी कैप्टन इंडिया ही वॉज प्रोड्यूसिंग द फिल्म तो हम लोग कास्टिंग उसकी कास्टिंग के लिए बैठे थे मुकेश चाबरा के यहाँ एंड हम बैठे थे मतलब बातचीत चल रही थी एंड मैं मतलब डिस्ट्रैक्टेड था थोड़ा सा तो मुकेश को मैंने मैसेज किया कि यार ये है हरमन को कास्ट करते हैं मुकेश ने बोला अच्छा है लेकिन करेगा क्या और तो तू बात कर ये हम लोग मैसेज करें हारमोन मैस इज वैसेज क्या करें एक दूसरे को एंड कट टू मतलब हरमन से मुकेश ने बात की हरमन ने बोला नहीं यार मुझे आई डोंट वांट टू रीलिव लिव क्या आई हैव लेफ्ट इट बिहाइंड कि मुझे ना एज एन एक्टर मुझे बहुत आई हैव बीन ट्रोल्ड द पास्ट आई हैव बीन ट्रोल्ड आई डोंट वांट टू रीलिव दैट मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है उस फेज ने न सिर्फ मुझे मेरी फैमिली को मेरे पेरेंट्स को अब आई एम इन अ डिफरेंट फेज ऑफ माई लाइफ आई हैव मेड पीस विद माई सेल्फ एज नॉट बींग एन एक्टर मुझे दोबारा मत ढके इसमें यार तो फिर भी बिकॉज वो फिल्म प्रोड्यूस करा था मेरे साथ तो उसका फर्ज तो मुकेश ने कहा यू हंसल से बोलो तो ये तो ही कॉल्ड मी ये नहीं यार आई से हरमन मेरे लिए कर ले डू इट फॉर मी डू इट फॉर योर फादर डू इट फॉर हैरी जी यू you नो know, एक चीज़ आई कैन प्रॉमिस यू ही विल बी प्राउड ऑफ यू नो एंड हैरी जी हैज़ हैड हेल्थ इश्यूज एंड यू नो इन दैट एंड आई थिंक फिल्म जब जब शो रिलीज हुआ जो प्यार हरमन को मिला उसके परफॉर्मेंस को मिला जो रिव्यूज़ में हरमन के बारे में जो सारी चीज़ें उसने जो उसको इतना क्रिटिसिज्म मिला इतना अनफेयर उसको ट्रोल किया गया वो सारी चीज़ें मिट गई उस एक परफॉर्मेंस से तो कितने लोगों ने कितने लोगों ने फ़ोन करके कहा कि हरमन भवीजा इतना अच्छा है मैं बोला यार आप लोग मौका ही नहीं देते हो प्रॉब्लम इज़ यू डोंट गिव एवरीबडी सरप्राइज़ करिश्मा तन्ना हरमन भवेजा कि क्या ये उस बैगेज के साथ नहीं है seen, had, you know, जो बनने आया था, लेकिन जर्नीर बट यू सीन एज स्टार किड करिश्मा वो सीन एज अ ग्लैमर डॉल मतलब ये, ये, हमने ब्रेक किया दे सक्सीडेड

यू नो तो ये टॉप एशियन शोज बहुत बड़े बड़े शोज थे तो मैं तो गया भी नहीं मैंने करिश्मा को बोला तुम चली जाओ यू नो एन्जॉय दिस यू नो यू आर नॉमिनेटेड बट ये शोज़ के सामने आई डोंट थिंक यू स्टैंड अ चांस कोरियन शोज है ड्रामाज आर यू नो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सब है आई हैोज बट दे ऑल वेरी बिग शोज दे आर मैसिव 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 शोज हमारा तो मतलब एक इंडियन शो इट्स डन वेल वी आर ग्लैड आई एम हैप्पी देट वी आर नॉमिनेटेड दैट इट्सल्फ इज ऑनर वो गई उधर एक दिन के लिए गई थी वो वो गई उधर उसका मैं गोवा समीर नायर के बेटे की शादी पे चला गया दैट यू नो आई डू दैट एंड मुझे करिश्मा का दोपहर को मैं गोवा में आई एज टेकिंग अ वॉक एट द बीच एंड करिश्मा का फोन आया एकदम जोर से चिल्ला सर जीत जीती गया आपने अच्छा क्या कि क्या बेस्ट सीरीज मिला है हमें व्हाट आर यू सेइंग यस सर बेस्ट सीरीज आई जस्ट गॉन एंड वी आर मिसिंग यू यूर क्या है सर हमें नहीं आया गुजराती में आई एम गोइंग टू कॉल यू लेटर मेरी कैटेगरी आने वाली है आई सीट ऑल द बेस्ट फॉर दैट बोलो चलो एक मिल गया अभी और पता नहीं क्या मिलेगा एंड नेक्स्ट थिंग यू नो इज़ करिश्मा इज वन बेस्ट एक्ट्रेस यू नो बेस्ट लीड एक्टर यू नो फीमेल एंड देट वॉज अ स्वीप टू नॉमिनेशन्स टू विन्स इन मतलब इन अ ड्यूरिंग द बुसान फिल्म फेस्टिवल इन फ्रंट ऑफ थाउजें ऑफ पीपल टू गो अप देयर एंड आई एम ग्लैड आई डिड नॉट गो कि करिश्मा गॉट टू शाइन ऑन द वर्ल्ड स्टेज वहाँ खड़ी रही शी गॉट वॉट शी डिजर्व्ड एंड शी स्टूड देयर विथ कॉन्फिडेंस विद पॉइस शी मेड द कंट्री प्राउड

विल यू टेक इट टू दूनल पायर नो जाने से पहले मेरा आखिरी सवाल जब आप जय को देखते हो वो भी ऑब्वियसली लुटेरे में उन्होंने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया है फगेट यू बींग एस फादर फगेट यू बींग अ नदर डायरेक्टर फॉर वन ह्यूमन बींग टू दब जब उनको देखते हो वो कौन सी क्वालिटी है जब आपको मालूम है कि इंडस्ट्री में जो उतार चढ़ाव होते हैं विच कैन बी वेरी ब्रूटल ये लड़का संभाल लेगा, संभाल चुका है ऑलरेडी वो अपने उसके उसने अपने फादर के अप डाउन अप्स एंड डाउन्स को सबसे बड़ा बेटा है मेरा मुझे मतलब मेरी तेईस साल की उम्र से मेरे उस वो वो जो एज होती है द वेरी हार्मोनल एज जो है मेरी उस एज से उसने मुझे झेला है और उसने मेरी ज़िंदगी को मेरे चॉइसेस को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने झेला है तो शायद जय है मेरी फैमिली में फैमिली एंड जय यू नो हिज ग्रोइंग अप यर्स वर विथ मी स्ट्रगलिंग डेस्परेटली स्ट्रगलिंग डेस्परेट टू गेट वर्क डेस्परेट दैट यू नो समहा माई पेरेंट्स डोंट हैव टू पे हिज स्कूल फीस एंड आई शुड बी एबल टू पे दम तो वो उसने देखा हैन यू बीन थ्रू दैट दोज टाइम्स यू सीन यू सीन मी मेकिंग शाहिद स्ट्रगलिंग टू मेक शाहिद एंड यूज सीन एज इमर्ज आउट ऑफ दोज थिंग्स सक्सेसफुली किज रियलाइज के ऑर्ड्स कुछ भी हो एंड लुटेरे इज अ डेस्टमिनी टू दैट बट इट्स टेकन साढ़े तीन साल लगे बहुत मुश्किल से बनाए शो लेकिन वो उसने ही सॉइड थ्रू विद द रेजिलियंस दैट ही हैज ग्रोन अप विटनेसिंग तो उसमें है वो रेजिलियंस है एंड uh, मैं हमेशा उसको हैव ऑलवेज टोल्ड हिम कि इट्स योर जर्नी एंड यू हैव टू फाइंड योर यू विल हैव योर ओन स्ट्रगल्स यू विल हैव योर ओन बैटल्स एंड माई बैटल्स आर ओनली फॉर यू टू ड्रॉ इंस्परेशन और टू लर्न लेसन फ्राम बट यू हैव योर ओन बैटल्स टू फाइट एंड मैंने हमेशा वही रखा है हम एक फैमिली में एक घर में वी आर बोथ इन द सेम प्रोफेशन वी आर प्रोफेशनल्स From the same, uh, do, who do the same work, and I mean, we are privileged that we, you know, belong to this uh, absolutely, you know, amazing profession. I count my blessings that I get to do this, that I'm alive, and I'm able to do this work, you know, and that I'm able to tell all these stories. एबल टू ब्रिंग ऑल दीज कैरेक्टर्स लाइफ एंड नाउ आई वीन अलाई इन दैट इन माई ओन सन ये मेरे लिए कॉन्वर्जेशन नहीं रहा है हंसल भाई इट्स अ मोर लाइक अ स्परिचुअल जर्नी फॉर मी